everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरह से समझने वाले हैं. दिस इज द वीडियो यू रिक्वायर. एक वीडियो में वन शॉट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, अच्छे से डिटेल में हर चीज समझाऊंगा, कहां से सवाल आ सकता है वो बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है, हर चीज को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. इन शॉर्ट, ओनली वीडियो यू नीड. अब देखो क्या है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. शुरू करें, सीधे कूदी लगाए अगर चैप्टर पे, तो ये चैप्टर पता है अभी तक जितना हिस्ट्री आपने पढ़ा है, आपने नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, कंट्रीज में कैसे नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ वो देखा, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपने देखा कि वर्ल्ड कैसे बना, तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री वाली सारी चीजें पढ़ते आ रहे. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने देखा कि कैसे इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री समझिए. अब चैप्टर जो है ना वो क्या है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. तो प्रिंट जो होता है ना, यस, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है, जो आज आप किताबों में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो प्रिंटिंग की भी अपने आप में एक हिस्ट्री है. वो हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है आपका प्रिंट कल्चर, फाइन. और उसने मॉडर्न वर्ल्ड के बनने में कैसे योगदान दिया है, दो पर्सपेक्टिव से चैप्टर को पढ़ेंगे. जैसा आपने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज ने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में क्या रोल प्ले किया, यूरोप के पर्सपेक्टिव से और इंडिया के पर्सपेक्टिव से, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज वाला टॉपिक, ठीक. तो अब हम उसी तर्ज पे क्या करने वाले, इस पूरे चैप्टर को भी समझेंगे. अगर हम बात करें यहां से कि प्रिंट जो है आज के समय में, आज की दुनिया में प्रिंट का कितना इंपॉर्टेंस है, तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज, हमारे इर्द गिर्द हर चीज कहीं ना कहीं प्रिंट से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है. थैंक्स टू डिजिटल इंडिया कैंपेन, जहां आप क्या देख रहे हैं, सारी चीजें डिजिटली भी है, लेकिन न्यूज़पेपर, बुक्स, कॉपीज, पेंटिंग्स, हर जगह प्रिंट या फिर प्रिंटिंग टेक्निक जो है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है. तो अब सवाल ये आता है कि क्या जिस तरह से आज प्रिंट के बीच में हम एम्बाइब्ड हैं, पूरी तरह से प्रिंट ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है, क्या ये ऐसा हमेशा से ही रहा है, क्या ये ऐसा हमेशा से रहा है, तो वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस ओनली, तो जवाब क्या आएगा, नो, नेवर. हमेशा से आप प्रिंट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था ना, हमेशा से ऐसी फास्ट प्रिंटिंग टेक्निक नहीं थी ना, हमेशा से इतनी आसानी से चीजों को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता था. तो जब नहीं किया जा सकता था तो कैसे हुआ, अब कैसे हुआ, तो उसकी एक लंबी कहानी है और इतिहास क्या है, हाई स्टोरी, ठीक है, HIESTORY, हिस्ट्री, हाई स्टोरी. तो वो लंबी कहानी जो है, वो लंबी कहानी अपने आप में यह बताती है कि प्रिंट डू हैव इट्स ओन हिस्ट्री. तो वो हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कब प्रिंटेड बुक्स जो है वाइडली सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी, ठीक है, उस प्रिंट या फिर कह सकते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन, आगे एक चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. आज जो आप प्रिंट को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द चारों तरफ प्रिंट है, वो कैसे पॉसिबल हुआ, ये चैप्टर का क्या है, ये चैप्टर का एसेंस है. पहला टॉपिक जो है चैप्टर का वो क्या कहता है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स. कहीं से तो शुरुआत हुई थी ना, तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स क्या थी, कहां से थी, कैसी थी. तो जैसे अगर हम देखेंगे चाइना, ठीक है, कोरिया, जापान, दीज वर दी एरियाज फ्रॉम वेयर दी प्रिंटिंग स्टार्टेड. ओरिजिन्स, रिटन रिकॉर्ड जो मिल रहे हैं, इसके अलावा भी कहीं से हो सकता है, लेकिन रिटन रिकॉर्ड जो हमें मिल रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि चाइना जैसे, तो चाइना में आप क्या देखेंगे, चाइना, कोरिया, जापान, दीज वर दी एरियाज जहां पे प्रिंटिंग फर्स्ट बिगिन. फाइन, यहां पे सिस्टम था हैंड प्रिंटिंग का, ठीक है, मेहंदी नहीं, हैंड प्रिंटिंग का मतलब क्या है, हैंड प्रिंटिंग का मतलब यहां पे आपको समझना होगा कि एक तरह से इंक, मतलब जैसे आप कैसे समझाओ मैं आपको, हाँ, मान लो इस सरफेस के ऊपर इंक लगा दिया, ठीक है, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी, तो वुड ब्लॉक होते थे, उसको एनग्रेव कर लिया जाता था, उस पर उरेख दिया जाता था, गोद दिया जाता था, ठीक है, और उस सरफेस के ऊपर क्या, इंक लगा दी जाती थी और सरफेस को चिपका दिया जाता था पेपर पे, सरफेस को पेपर पे चिपकाया, तो जैसा इधर सरफेस था, ठीक है, वैसा का वैसा छप जाएगा, वैसा का वैसा छप जाएगा. तो चाइना में सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग था जहां पे पेपर्स वर रब्ड, ठीक है, अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स. समझे कि नहीं समझे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर देखा जाए तो ये अगर एक वुड ब्लॉक है, इस पे ये उभरा हुआ हिस्सा जो है, इस पे अगर क्या कर दिया जाएगा, इंक लगा दी जाएगी, इंक लगा दी जाएगी और चिपका दिया जाएगा, तो चिपका देने से क्या होगा, जो इधर का सरफेस है वो पेपर पे छप जाएगा, ठीक है, कार्बन कॉपी टाइप, तो यहां पे पेपर पे छप जाएगी चीजें. तो ये सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग चलता था जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता था. इसकी लिमिटेशन थी लेकिन क्या, कि पेपर जो होते थे तो बहुत
थिन होते थे, पोरस होते थे, तो इधर छपा है तो पीछे भी जैसे इंक स्पिल हो जाती है तो पीछे इंक स्पिल हो जाती थी। फिर क्या होता था कि जैसे अगर आप देखेंगे तो चाइना में प्रिंटिंग जो होती थी, अकॉर्डियन बुक जो है, चाइनीज ओल्डेस्ट चाइनीज बुक जो है अकॉर्डियन बुक, जिसमें क्या किया जाता था, एक तरफ पेपर पे छाप दिया, इस तरफ तो पूरा इंक स्पिल हो जाएगा पीछे, ठीक है, दूसरे तरफ पेपर पे छाप दिया, दोनों तरफ पीछे पीछे इंक है, तो दोनों पेजों को ऐसा चिपका दिया जाता था, इधर प्रिंटेड है इधर प्रिंटेड है, दोनों बुक्स को ऐसे मतलब दोनों पेजेस को फिर ऐसे साथ में चिपका के सील दिया जाता था, स्टिच कर दिया जाता था एक साथ, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जैसे अगर आप देखेंगे तो बुक्स बहुत मोटी हो जाती थी, एक ही साइड लिख सकते थे, ठीक है, इंक स्पिल होती थी, तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब बहुत इवॉल्व या फिर आज के जैसे आप देखते हैं कि एकदम क्लियर कट फॉन्ट्स है सब कुछ है, तो वैसी टेक्निक नहीं थी, ठीक है, वैसी टेक्निक नहीं थी, लेकिन इस तरह से जैसे अकॉर्डियन बुक्स जो है चाइनीज बुक्स जिन्हें स्टिच कर दिया जाता था दोनों साइड पे प्रिंट करके, ठीक है, दोनों साइड जो पीछे वाले हिस्से रहते थे उनको स्टिच कर दिया जाता था। अब पॉइंट ये आता है यूज ऑफ बुक्स इन चाइना, अब इन किताबों का इस्तेमाल क्या होता था, प्रिंटिंग करके ऐसी किताबों को छाप छाप के करते क्या थे, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज तो क्या ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था चाइना में जिनका एग्जाम होता था। अब एग्जाम होता है तो पढ़ाई करना पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगी तो किताबें चाहिए होंगी, ठीक है, तो उन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो कैंडिडेट्स होते थे उनके लिए किताबें जो है जरूरी थी, और वो किताबों से लोग पढ़ते थे और चाइनीज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के एग्जाम को क्लियर करके क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते थे, तो उनके लिए किताब। फिर जैसे जैसे अर्बन कल्चर ब्लूम करते चले गया कहां पे, चाइना में, ठीक है, तो विद द इंक्रीजिंग अर्बन कल्चर व्हाट वाज ऑब्जर्व कि शहरों में ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स अपने रिकॉर्ड्स वगैरह रखने के लिए किताबों का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, जो रिच अलाइट ऑफिसर्स वगैरह होते थे उनकी विमेन वगैरह जो होती थी लिखना पढ़ना पसंद करती थी, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो उस तरह से जैसे आप देखेंगे उस समय क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, मेल काम पे जा रहे थे विमेन नहीं जा रही थी, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि उस अर्बन कल्चर के बढ़ते देखते नई नई रीडरशिप इमर्ज हो रही थी, विमेन यूज्ड टू रीड अलॉट, ठीक है, तो वो अपने बारे में अपने नॉवेल्स वगैरह ये सारी चीजें नया नया रीडिंग मटेरियल था, रीडिंग मटेरियल को प्रिंट किया जाता था, और इस तरह से आप जिस देखेंगे तो चाइनीज बुक्स चाइना में बुक्स का क्या इस्तेमाल हो रहा था, तो ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और अर्बन कल्चर के चलते किताबों का इस्तेमाल बढ़ गया, ठीक है, किताबों का इस्तेमाल बढ़ गया। अब मर्चेंट्स वगैरह का भी जिसने बताया कि प्रिंट का इस्तेमाल करते थे अपने ट्रेड रिकॉर्ड्स वगैरह रखने के लिए, ठीक है, तो ये चाइना में इस तरह से प्रिंट का यूज बढ़ा। अब चाइना के साथ साथ में जैसे देखेंगे तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स में आप कहां जा रहे हैं, चाइना के बाद में जैसे जापान, उस एरिया में प्रिंटेड बुक्स इवॉल्व हुई है, तो चाइना से कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, तो सम बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान, तो वो चाइना से वो टेक्निक को जापान ले गए, जापान में हैंड प्रिंटिंग ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली टेक्निक थी, ठीक है, वो प्रिंटिंग टेक्निक से जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है डायमंड सूत्रा, ठीक है, जो कि एक क्या है रिलीजियस टेक्स्ट है, तो उस ओल्डेस्ट बुक को भी प्रिंट किया गया वही प्रिंटिंग टेक्निक से, ठीक है। अब जापान में जैसे अगर आप देखेंगे तो प्रिंट का और फॉर्म डेवलप हुआ कि सिर्फ टेक्स्ट के अलावा क्या होने लगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि अक्षर लिखे जा रहे हैं, आप जैसे देखेंगे तो उसके अलावा क्या है टेक्सटाइल पे कपड़ों पे प्रिंटिंग हो रही थी, उसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रिंटिंग होने लगी, ठीक है, पेपर मनी जो होता था, ठीक है, तो पेपर मनी जो होता था उसके ऊपर प्रिंटिंग होने लगी, नोटों के ऊपर फोटो वगैरह छपने लगी, आज भी छपती है वो, तो प्रिंटिंग का जो पर्पस था वो डाइवर्सिफाई हो गया, इनफैक्ट न्यू फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग डेवलप हुई जिसे उक्यो कहा गया, ठीक है, दिस ये जो प्रिंटिंग थी तो इसमें क्या है विजुअल मटेरियल्स को प्रिंट किया जाने लगा था, जैसे उक्यो डेवलप किया गया कितागावा उतामारो की तरफ से, ठीक है। अब ये नाम ध्यान रखना है क्या, देखो एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था तो इसके लिए मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें कवर करते चलूंगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो क्या हुआ, चाइना में प्रिंटिंग डेवलप हुई, सवाल बन जाता है कि व्हाट वाज द यूज ऑफ बुक्स इन चाइना, चाइना ठीक है, चाइना बहुत सारे थोड़ी नाम, तो व्हाट वाज द यूज ऑफ बुक्स इन चाइना, तो आप ये पॉइंटर ध्यान रख सकते हैं कि हाँ अर्बन कल्चर, ट्रेडर्स, ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। जापान में जैसे प्रिंटिंग का इस्तेमाल अगर देखेंगे तो डाइवर्सिफाई हुआ, उक्यो एक आर्ट फॉर्म था जो कि कितागावा उतामारो ने डेवलप किया था, जिसमें क्या होता था, जिसमें आप देखेंगे प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल जो है वो बढ़ता चले गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रिंटिंग बनाई गई, एक प्रिंट बनाया गया, इस प्रिंट को एक उक्यो आर्ट फॉर्म कहा जाएगा, जहां पे एक वर्ल्ड को स्टिल में कैप्चर कर लिया जाता है, जैसे फोटोग्राफ क्लिक किया जाता है, किसी व्यक्ति ने क्या देखा, किसी व्यक्ति ने देखा कि हाँ टी सेरेमनी चल रही है, तो इस टी सेरेमनी को उन्होंने क्या किया, एक पेंटिंग में, मतलब जो रियल लाइफ पिक्चर होती है ना, ठीक है, रियल लाइफ पिक्चर होती है, तो उस रियल लाइफ पिक्चर को कैप्चर करना शुरू कर दिया, इस तरह का आर्ट फॉर्म उक्यो कहलाता था, क्लियर हुआ।
फाइन, तो इस तरह से प्रिंटेड बुक्स जो है, फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स जो है वो इवॉल्व हुई अकॉर्डियन बुक और डायमंड सूत्रा, ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं, प्रिंट कम्स टू यूरोप, ठीक है, चाइना में सर प्रिंट इवॉल्व हुआ, उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं। अब ये जो प्रिंटिंग टेक्निक्स वगैरह है ये सब दूसरे पार्ट में, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में कैसे पहुंची गई, तो वैसे ही जैसे चाइना से जापान पहुंच गई थी, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क ले गए, तो वैसे ही कोई यूरोप वगैरह का आदमी चाइना वगैरह से ये टेक्निक ले गया होगा। और बहुत लंबे समय तक पता है कि पेपर भी कुछ चीज होती है, ये चाइना ने अपने पास छुपा के रखा था कि पेपर जैसी भी कुछ चीज होती है जिसके ऊपर छपाई की जा सकती है। तो खैर हुआ क्या, तो जैसे अगर आप देखेंगे कि हाउ प्रिंट कम्स टू यूरोप, सवाल ये आता है कि प्रिंट चाइना से यूरोप कैसे पहुंच गया, फिर यूरोप से इंडिया भी लाएंगे, तो जैसे अगर आप देखोगे और यूरोप में पहुंचा तो कहां पहुंचा, फाइन सिंपल पॉइंटर्स में आपको बताता हूं कि चाइना से ट्रेड होता था, ये हमने कहां पढ़ा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी पढ़ा है, सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड होता था, पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट किया हुआ था, तो उसी सिल्क रूट के थ्रू पेपर जो है, तो पेपर का ट्रेड हुआ, पेपर का ट्रेड हुआ, जब लोगों को पेपर के बारे में जानकारी मिली तो उसमें प्रिंटिंग भी हो सकती है, इसकी जानकारी मिली। वैसे एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था मार्को पोलो, ठीक है, तो मार्को पोलो जो है, ध्यान रखिएगा मार्को पोलो जो है, तो इन्होंने ये टेक्नोलॉजी जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, चाइना में जब घूम रहे थे, इटालियन एक्सप्लोरर थे, तो चाइना में घूमते हुए उन्होंने टेक्निक देखी कि अरे वाह भाई छपाई हो रही है, ठीक है, तो उस प्रिंटिंग टेक्निक को जब वो अपने होम टाउन वापस गए, आई गेस 1295, ठीक है 1295 में, तो उन्होंने इस टेक्निक को भी अपने साथ ले गए, आदमी सीख गया ना कोई चीज। अब फिर उन्होंने इटली में क्या करा, प्रिंटिंग स्टार्ट करी, इटली में आप देखेंगे अलग अलग प्रिंटिंग शॉप्स ओपन अप हो गई, ठीक है, इटली से पूरे यूरोप में जैसे अगर आप देखेंगे तो वुड ब्लॉक प्रिंटर्स जो है वो स्प्रेड हो गए, फाइन वुड ब्लॉक प्रिंटर्स जो है इटली से पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे रीडिंग पब्लिक बढ़ रही थी, वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो जो नीड क्या होता है, सिंपल सी चीज है, मार्केट कैसे चलता है, डिमांड और सप्लाई के गेम पे, तो नीड बहुत ज्यादा थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो अब सप्लाई भी तेज करना होगी, लोग पढ़ना चाह रहे थे, तो पहले क्या था, वही पहले हाथों से लिखा जाता था, पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स पे हाथों से लिखा जाता था, तो जैसे एक्सपेंसिव पेपर हो गया या फिर वेलम होता था जो एनिमल स्किन्स वगैरह से एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता जिसपे लिख लिया जाता था जिसे आदमी बाद में पढ़ सके, ठीक है। तो पहले क्या होता था, रीडिंग पब्लिक जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो बहुत सारे क्या होते थे, बुक फेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे जहां पे हाथ से लिखी हुई किताबों को बेचा जाता था, ठीक है। और इसी के चलते क्या, जो बुक पब्लिशर्स थे तो उन्होंने बहुत सारे स्क्राइब्स रख के रखे थे, और स्क्राइब्स का काम क्या होता था कि स्क्राइब्स का काम ये होता था कि वो फटाफट एक्सीलेंट क्या होते थे, राइटर्स होते थे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वाह ये भी एक जॉब हो सकती थी कि लिख दो बस, तो हम तो सर ऐसे ही करते हैं कि बस एग्जाम में कॉपी चेक होने से पहले क्या करते हैं, दूसरे की कॉपी लाते हैं, एग्जाम में नहीं यूजुअली जो इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह होते हैं, दूसरे की कॉपी में फटाफट लिख देते हैं, वही काम पहले लोग करते थे, उसके लिए बहुत पैसा मिलता था उन्हें स्क्राइब्स को, ठीक है। तो खैर जैसे जैसे रीडिंग पब्लिक बढ़ती चली गई तो बुक फेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए जहां पे स्क्राइब्स वगैरह को हायर किया जाता था बुक पब्लिशर्स वगैरह के द्वारा, ठीक है, और बुक्स बेची जाती थी इस तरह से लिखवा कर, क्लियर हुआ। लेकिन आपको समझना होगा कि डिमांड बहुत ज्यादा थी, अब वहां पे नई टेक्निक चाहिए थी, और जैसे ये सीख के आए मार्को पोलो वगैरह, तो इस टेक्निक का वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से आप हाथ से लिखने की अपेक्षा तो तेजी से प्रोडक्शन कर ही सकते थे, समझना होगा आपको। तो द प्रोडक्शन कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, हैंड रिटन बुक्स जो है तो वो एवर इंक्रीजिंग डिमांड को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती थी, और ये हैंड रिटन बुक्स को जिन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते तो उनकी लिमिटेशन भी थी कि इट वॉज वेरी लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग, समय ज्यादा लगता था, लेबर लगेगी आपको, स्क्राइब से लिखवाना पड़ेगा, अब जब लिखवा रहे तो उसको पैसे वो नखरे करता था, मेरे को लिखते आता है मैं क्यों आसानी से करूं वो, तो बहुत एक्सपेंसिव होता था। फिर उसके बाद में जो हैंड रिटन बुक्स होती थी तो वो पेपर पे नहीं लिखी जा रही थी, वो एक्सपेंसिव जैसे अगर आप देखेंगे वेलम वगैरह पे लिखी जाती थी, और जो रिच एलाइट्स थे वो ये भी बोलते थे क्या कि ये हैंड जो पेपर की किताबें ना वो तो ऐसी है सस्ती है, अमीर लोगों को लिए तो वेलम वगैरह या फिर कह सकते जैसे लीव्स वगैरह हो गए उन पर लिखा जाता था, जैसे इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट जो बनती थी लीव्स पे लिखा जाता था, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्रीज पे लिखा जाता था। तो इसके चलते क्या है कि उनकी लिमिटेशन ये भी थी कि देवर ऑकवर्ड टू कैरी, उसको लेके कैसे जाओगे, ये सारी चीजें सवाल ध्यान रखना। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इनफैक्ट चैप्टर में दो बार आता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशन यही कि ऑकवर्ड टू हैंडल, एक्सपेंसिव, लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, ठीक है। और इसी के चलते क्या है, इसी के चलते जैसे अगर आप देखेंगे कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जिसका आइडिया अब यूरोप में भी आ चुका था तो वो पॉपुलर होती चली गई। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत और फास्ट टेक्निक की थी, जरूरत और फास्ट टेक्निक की थी, और वहीं पे इमर्ज होते हैं गुटेनबर्ग और गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। तो किस तरह से प्रिंट जो है यूरोप आ गया चाइना से, ठीक है, लेकिन दैट टेक्निक वॉज नॉट सो एफिशिएंट, नॉट सो फास्ट,
ठीक है, और उसी के चलते जब डिमांड और थी और फास्ट और एफिशिएंट टेक्निक आना चाहिए, तब गुटेनबर्ग जो थे, जोहान गुटेनबर्ग जो थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में जोहान गुटेनबर्ग ने अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी इन 1430s। ठीक है, 1430s में उन्होंने अपना काम शुरू किया। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ मर्चेंट सॉ वाइन एंड ऑलिव प्रेस। ठीक है, मर्चेंट के बेटे थे, उन्होंने वाइन प्रेस ऑलिव प्रेस को देखा कि जहां पे दबा के क्या कर दिया जाता था, ऑलिव का और ये सारी चीजों का तेल निकाल दिया जाता था, मतलब वो प्रेसिंग टेक्निक सीखते आए। साथ ही साथ में क्या है, ही न्यू द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। ठीक है, ही वाज अ मास्टर गोल्डस्मिथ, तो स्टोन को पॉलिश करना ये वो सारा आर्ट उनको आता था। अब देखो उन्होंने अपनी स्किल का इस्तेमाल कैसे किया, तो उन्होंने दिमाग लगाया और जैसे क्या गोल्डस्मिथ है ना, तो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो वैसे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लेटर्स बना लिए, लेटर्स बना लिए, उन लेटर्स को प्रिंटिंग प्रेस टाइप का, जैसे आप देखेंगे तो ऊपर से जो एक एग्जांपल दिया है गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का, कि ऊपर से एक प्लेटन जो है उसमें नीचे की तरफ यहाँ लेटर लगा देंगे और यहां प्रेस करेंगे ये इंड सरफेस रहेगा, यहां प्रेस करेंगे तो जो इधर लेटर बनाए वो छप जाएंगे नीचे। तो अपने कह सकते हैं इसी नॉलेज पे काम करते हुए 1448 में ही इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस वर्किंग ऑन दिस नॉलेज, और इस तरह से जोहान गुटेनबर्ग ने क्या कर दिया, पहली प्रिंटिंग प्रेस बना दी। अब पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल प्रिंट करी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि रातों रात बहुत कॉपी छाप दी, ठीक है, बट कंसिडरिंग दैट टाइम पीरियड जहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी या फिर हाथों से स्क्राइब से लिखवाया जाता था, एक फास्ट प्रोडक्शन उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, और इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट रेवल्यूशन। ठीक है, यहां से एक प्रिंट रेवल्यूशन सा शुरू हो गया जहां पे जितना तेज प्रिंट हुआ उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ। अब जैसे अगर आप देखेंगे आज क्या है, आज कोई भी जानकारी आपके फिंगर टिप्स पे आप गूगल कर सकते हो, तो ये एक तरह का डिजिटल रेवल्यूशन है। वैसे ये क्या है कि अब क्या है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा, सबकी रीच में हो सकता है। तो एक तरह से क्या हो गया था, एक प्रिंट रेवल्यूशन से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि प्रिंटिंग भी जो आई ना, तो एक ग्रे एरिया चीज होती है। जैसे अगर मान लो ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, तो एकदम बॉर्डर खत्म होते से ही नहीं होता है, बीच में एक ग्रे एरिया रहता है। तो अब जब प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप हुई, एक प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप हुई, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जब प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप हुई तो उस प्रिंटिंग टेक्निक के चलते ये हुआ कि स्लोली ग्रेजुअली आपको ये देखने को मिलता है कि पूरी तरह से प्रिंटेड बुक्स भी अलग नहीं होती थी हैंड रिटन बुक्स से। प्रिंटेड बुक्स में जो मेन कंटेंट होता था उसको प्रिंट कर दिया जाता था, बाकी जगह छोड़ दी जाती थी कि हाथ से डिजाइन बना दिया जाएगा, सुंदर मोटिव्स वगैरह लगा दिए जाते थे, इलस्ट्रेशंस के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, तो कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन वहां पे भी था, भले ही बुक्स प्रिंट हो रही थी, समझ में आ रहा है, तो हैंड रिटन वाला टच भी था उसमें। लेकिन ये जो टेक्निक है तो स्लोली ग्रेजुअली क्या है, पूरे यूरोप में फैलती चलेगी और जगह जगह प्रिंटिंग प्रेस, जैसे अब जर्मनी में जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी, वहां से लोग निकल के अलग अलग पार्ट में चले गए यूरोप के और अलग अलग जगह प्रिंटिंग प्रेस वगैरह डेवलप कर दिया, जिससे बुक्स फ्लडेड द मार्केट। ठीक है, बुक्स ही बुक्स हो गई है, समझ में आया, बुक्स ही बुक्स हो गई है। तो आपको समझना होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी आई लेकिन पुरानी तरह से पूरी एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि उसमें वो कस्टमाइजेशन वाला टच होता था, बट दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट रेवल्यूशन। ठीक है, प्रिंट रेवल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, बधाई हो, प्रिंट रेवल्यूशन हुआ है। अब उसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रिंट रेवल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ा, तो हाउ प्रिंट क्रिएटेड अ रेवल्यूशन, प्रिंट से रेवल्यूशन कैसे आया। तो आपको ये चीज समझना होगा कि जब बुक्स आई तो बुक्स से क्या है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना आसान हो गए, लोगों का सोचने समझने का नजरिया बदल गया। ठीक है, और दिस मार्क द रेवल्यूशन, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो सवाल यहां पे बनता है कि व्हाट वाज द प्रिंट रेवल्यूशन एंड व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट ये था कि अभी तक जो जनता पढ़ने से वंचित थी वो पढ़ पाएगी, आसानी से पढ़ पाएगी। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता था कि रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू एलाइट्स। ठीक है, अब एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज होगी, दी न्यू रीडिंग पब्लिक, जैसे अगर आप देखेंगे तो कैसे इमर्ज होगी कि पहले पढ़ने का मतलब कह सकते हैं ना कि पढ़ने का जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस था वो सिर्फ रिच और एलाइट क्लास के लोग ही ले सकते थे, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते थे रिटन मटेरियल। अब और लोग पढ़ते भी नहीं आता था क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोग, तो कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। ओरल कल्चर मतलब क्या है कि कॉमन पीपल जो है, तो भाई साहब कोई पढ़ के सुना देगा तो हम आसानी से सुन लेंगे, नहीं तो क्या चलता था कि किसी ने गीत गा दिया, उस गीत को किसी ने सीख लिया, तीसरे को सुना दिया, तो इस तरह का सिस्टम चलता था। ठीक है, पहले सिर्फ ओरल कल्चर था, लोग पढ़ के नई चीजें नहीं सीख पाते थे क्योंकि
प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता था आसानी से। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रिंट रेवोल्यूशन जैसे ही आया, जब प्रिंटिंग टेक्निक इवॉल्व हो गई, तो बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर्स। तो पहले तो दिक्कत थी, लेकिन नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, बिकॉज एडवांटेज क्या है कि जब प्रिंटिंग टेक्निक इवॉल्व हुई तो बुक सस्ती हो गई, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस की जाने लगी, इजी टू एक्सेस हो गई, और उसका इंपैक्ट आपको ये देखने को मिलता है कि हियरिंग पब्लिक जो पहले सिर्फ सुनते थे या फिर एक ओरल कल्चर था, अब वो रीडिंग पब्लिक के साथ इंटरमिंगल हो रही थी। ठीक है, अब कैसे इंटरमिंगल हो रही थी, तो जैसे यहां भी इतना ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था कि आप सारे जो लोग पहले सुन सकते थे, सिर्फ सुनते थे या फिर ओरल कल्चर था, आप उन लोगों को क्या कर दोगे, आप सबको पढ़ने वाला बना दोगे। तो क्या होता था कि बुक पब्लिशर्स वगैरह बुक पब्लिश करते थे और पब्लिक प्लेसेस को में दे देते थे, जैसे ट्रेवल्स वगैरह, पब वगैरह टाइप की जो जगह होती थी, तो वहां पे सोचो लोग पब में जाके पढ़ते थे कैसे। तो यहाँ पे वही होता था कि ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था कि पहले सिर्फ लोग सुनते थे या फिर ओरल कल्चर था, अब जब किताबें आसानी से आ गई तो जिन्हें पढ़ते आता था वो पब्लिक प्लेसेस में जा जाकर पढ़ के सुना देते थे लोगों को, क्योंकि बुक तो इजीली अवेलेबल थी। तो जिसे पढ़ते नहीं भी आता था बुक खरीद लेता था, जिसे पढ़ते आता था उससे बोलता तुम सुनाओ। तो अब क्या हो रहा है कि वो हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक का इंटरमिंगल आपको देखने को मिल रहा है, जैसे सैक्रेड टेक्स्ट वर रेड आउट, ठीक है, ब्लैड्स वर रिसाइटेड, दैट दे रीच आउट द वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। बलैड्स मतलब जो लोकल कहानियां वगैरह हैं, ठीक है, सैक्रेड टेक्स्ट मतलब जो इनिशियली तो आदमी धर्म से बहुत जुड़ा हुआ था ना, तो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह को क्या कर दिया जाता था, पढ़ के सुना दिया जाता था। ठीक है, ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड। समझ गए, ओरल कल्चर जो पहले था जहां पे सिर्फ लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे, वो प्रिंट के साथ जुड़ गया और प्रिंटेड मटेरियल जो था उसको ओरली क्या किया जाने लगा, ट्रांसमिट किया जाने लगा, लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाया जाने लगा। ठीक है, द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकेम ब्लर्ड एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। ठीक है, तो जिस लाइन से लोग सेपरेटेड थे कि नहीं ये तो इन्हें पढ़ते ही नहीं आता है, क्या करेंगे, इन्हें तो कहानियां सुना दो, तो अब क्या जिन्हें पढ़ते आता वो पढ़ के उन्हें कहानियां सुना रहे थे। समझ में आया, तो रीडिंग पब्लिक हियरिंग पब्लिक इंटरमिंगल हो रही थी। दिस वॉज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन, दिस इज हाउ द प्रिंट रेवोल्यूशन ऑकर्ड। ठीक है, बताइए हो प्रिंट रेवोल्यूशन हो गया है। अब जिसे अगर हम देखेंगे ना, तो इस प्रिंट ने पॉसिबिलिटीज को जन्म दिया, और एक टॉपिक जो आता है वो आता है रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब आप देखेंगे कि सर प्रिंट से बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो दूसरा पहलू यहां पे ये है कि प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। अब क्या है ना कि पहले आइडियाज उतनी आसानी से लोगों तक पहुंचा नहीं सकते थे, जैसे आज क्या है कि आज आप प्रिंट को ना डिजिटल मीडिया से कंपेयर करते चलना इस पूरे चैप्टर में दिमाग में रख के, तो चीजें आसान होती चली जाएगी। जैसे आज क्या है ना, डिजिटल मीडिया की मदद से आप बस आपको एक पोस्ट करना होती है, आप बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंच जाते हो, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंच गया बहुत सारे लोगों से। ठीक है, पहले इतना पॉसिबल नहीं था। अब यही सोचो जब प्रिंट भी नहीं था उसके पहले लोग इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाते होंगे, मैंने इसे सुनाई, इसने उसे सुनाई, इसने उसे सुनाई, तब इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंच पाती होगी। लेकिन प्रिंट जब आया तो मैंने एक बार में बहुत सारी किताबें प्रिंट कर दी, मैंने किताबें अलग अलग लोगों को दी, तो एक साथ में अलग अलग लोग किताब पढ़ के वो जानकारी पा सकते थे। ठीक है, तो वही केस ये हुआ कि प्रिंट के चलते क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज हैपेंड, और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि इवन दोस हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। मतलब कि अब भाई साहब अगर मुझे कुछ पसंद है तो वो मैं लिख के बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता हूं, और अगर तुम्हें कुछ पसंद है मुझे नहीं पसंद है तो मैं अपने डिफरेंसेस को भी लिख के बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात, कि अब जो व्यक्ति एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी, राजा का कहना कि ये करो, मुझे नहीं पसंद आया राजा की बात, तो मैं राजा के अगेंस्ट में भी अपने ओपिनियन को लोगों तक पहुंचा सकता हूं लिख के। समझ गए, अब यहां पे क्या हुआ ना, तो इसके चलते क्या कि कुछ लोगों को इस चीज से चिंता भी हुई, ठीक है, कुछ लोगों को इस चीज में अपॉर्चुनिटीज भी दिखी, रिफॉर्म लाने का मौका भी मिला कि हाँ अब शक्ति आई है ना हमारे पास। वही कि डिजिटल मीडिया से कुछ लोगों को डर भी है, क्या डर है कि इससे ये होगा कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, ठीक है, और कुछ लोगों को ये भी दिखता है कि नहीं इससे सुधार भी किया जा सकता है। समझ रहे हो, तो आपको वही ध्यान रखना है कि रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट्स में, तो देयर वर सम फियर्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। व्हाट वर द रिलीजियस डिबेट्स इन यूरोप अराउंड द प्रिंट। सवाल कैसे भी बने कि प्रिंट से क्या डर था, प्रिंट से किस तरह के प्रिंट के अराउंड क्या रिलीजियस डिबेट्स थी। सवाल किसी भी तरह से आए, सवाल बहुरूपिया होता है, आपको क्या करना है, जवाब पे फोकस करना है। तो जैसे अगर हम देखें तो कुछ लोगों को एप्रिहेंशन भी था, डर था प्रिंट से जुड़ा हुआ, और कुछ लोग जो थे प्रिंट की मदद से रेवोल्यूशन ला पाए, चेंज ला पाए,
ठीक है। तो जैसे मैनी थॉट दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वॉज प्रिंटेड इन रेड देन रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। कुछ लोगों को ऐसा लगता था अगर क्या लिखा जा रहा है उस पेज पे कंट्रोल नहीं किया गया ना तो कुछ भी लोग लिखेंगे और उससे रेबेलियस बागी बागी आना, समझ रहे हो, मतलब कि जैसे चर्च चलते थे उस समय तो चर्च के अगेंस्ट में लोग लिखना शुरू कर देंगे, चर्च की इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी, चर्च की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अथॉरिटीज ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो अब वो दिखती बात है कि मान लो कि बाइबल में कुछ लिखा है किसी व्यक्ति को नहीं पसंद आया तो वो बाइबल के अगेंस्ट में बोल देगा। तो इस तरह से ये एप्रीहेंशन थे, ये डर थे कुछ लोगों के, ठीक। कुछ लोग कौन थे और अधिकतर जो चर्च हो गए, एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज हो गई, रूलर्स हो गए, इन लोगों को डर था। तो देयरफॉर दे क्रिटिसाइज द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर। उन्होंने बोला कि ये न्यू प्रिंटेड लिटरेचर जो है सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी ला देगी, इससे लोग क्या हो जाएंगे, रेबेलियस हो जाएंगे। तो रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क्स जो थे तो देवर लाइक कि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो देवर नॉट हैप्पी विद द प्रिंट रेवोल्यूशन हैपनिंग। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो गया था, उससे आम आदमी अपने विचार वहां तक पहुंचा सकता था, ठीक है। और वही चीज जैसे अगर आप देखोगे तो हुआ भी कैसे, तो एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे प्रिंट ने रेवोल्यूशन लाने में या फिर रिफॉर्म लाने में, ठीक है, कैसे आप देखेंगे कि प्रिंट ने एक तरह से रिलीजियस डिबेट्स को ट्रिगर कर दिया। तो 1517 में मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस। मार्टिन लूथर जो थे तो उन्होंने जो कैथोलिक चर्च थे, ठीक है, तो ही क्रिटिसाइज मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। और उन रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करते हुए, बाइबल के कुछ पार्ट्स को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने अपने न्यू टेस्टिमेंट्स दिए, बाइबल में ऐड किए, ठीक है, और उन्होंने वो 95 थीसेस लिखी। अब उन्होंने जो थीसेस लिखी उन्होंने उसे चर्च के गेट पे जाके चिपका दिया और वो बहुत ज्यादा प्रिंट हुआ और सर्कुलेट हुआ, लोगों ने पढ़ा। देखो कुछ भी आप पढ़ते हो तो आप समझते हो अपनी एक चेतना से, आपको लगता है कि हाँ ये सही है गलत है, जब लोगों ने पढ़ा सपोर्ट किया तो उस तरह से क्या हो गया कि उन्होंने एक तरह से जो एस्टैब्लिश्ड चर्च थे उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगाए और क्रिश्चियनिटी के अंदर ही अपना एक अलग सेक्ट चालू कर दिया, मतलब अपना एक पंथ। जैसे जैन में श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं, तो वैसे ही आप क्रिश्चियंस में क्या देखेंगे, कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो जो कैथोलिक चर्च थे उनके अगेंस्ट में एक तरह से प्रोटेस्ट करके उन्होंने प्रोटेस्टेंट सेक्ट शुरू कर दिया, ठीक है। तो दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन यूरोप, ठीक है। और मार्टिन लूथर ये कहते हैं क्या प्रिंट के बारे में कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, जिसकी मदद से वो अपना व्यू पॉइंट, अपने विचार जो है वो रख पाए, समझ में आया। तो ये रिलीजियस डिबेट्स से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल कि हाउ प्रिंट हेल्प, हाउ प्रिंट ट्रिगर्ड द रिलीजियस डिबेट इन यूरोप एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आप मार्टिन लूथर वाला एग्जांपल दे सकते हो, व्हाट वाज द फियर अराउंड द प्रिंटेड मटेरियल, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। अब आता है प्रिंट एंड डिसेंट, ये वाला जो टॉपिक है, तो जो फियर ऑफ प्रिंट है ना, ये देखो क्या होता है ना कि डिसेंट मतलब क्या होना है कि किसी से आप अलाइन नहीं है तो आप अपना डिसेंट शो करते हो, आप किसी से बोल सकते हो कि नहीं हम इस पॉइंट पे आपके साथ एग्री नहीं करते हैं, या फिर इफ यू आर नॉट अलाइन विद समवन तो आप बोल सकते हो कि ये मेरा डिसेंट है, या फिर बोलते हैं ना कि अलाइनमेंट नहीं होना, कुल मिला के डिसेंट। तो प्रिंट एंड डिसेंट की अगर हम बात करें तो वही चीज आपको यहां पर समझना होगा कि प्रिंट की मदद से क्या होना कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्या है, पॉसिबिलिटी है ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, हर आदमी अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता था अपने अपने हिसाब से। वही हुआ भी कि इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ स्टार्टेड। मुझे धर्म में ये चीज पसंद नहीं आ रही तो पहले नहीं पसंद आ रही, चुपचाप अपने चार लोगों से बात करो, बोलो, चुपचाप सुनो और बस चार लोगों को बता दो। पहले इंफॉर्मेशन उतनी तेजी से फ्लो नहीं कर सकती थी, अब मुझे कुछ धर्म में चार चीजें पसंद नहीं आ रही है, तो प्रिंट के आने से क्या हुआ कि मैं वो लिख के 40 लोगों तक पहुंचा दे सकता था। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हर व्यक्ति अपना अपना क्या इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन देने लगा फेथ का, धर्म का, उसे क्या, उसकी क्या समझ है, उसके क्या विचार है, वो प्रिंट करने लगा, उसको लोग पढ़ते थे तो लोग भी इन्फ्लुएंस होने लगे। तो वही ये डर रहा है हमेशा से रिलीजियस अथॉरिटीज का, क्या कि इससे हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, रिलीजियस टेक्स्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप वैसे ही एक एग्जांपल देखेंगे डिसेंट से जुड़ा हुआ, ये डिसेंट होता है ना, डिसेंट का मतलब क्या है कि यू आर नॉट अलाइन विद समथिंग, आप अपनी नाराजगी या फिर कह सकते हो आपकी नामंजूरी जाहिर कर दे रहे हो। तो मैनेक्यो एक मिलर था, एक मामूली सा मिलर था, ठीक है, जिसकी मिल थी, ठीक है, इटली में। तो उसने क्या किया, उसने जैसे अगर आप देखेंगे तो ही रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, बाइबल को उन्होंने क्या किया इन इटली, ठीक है, बाइबल को उन्होंने रीइंटरप्रेट किया अपने हिसाब से। अब जो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे रोमन कैथोलिक चर्च जो है तो उन्हें तो ऐसा लगेगा ना कि यार इतने सालों से हम जिस ट्रेंड को चला रहे हैं तुम उसको कैसे बदल सकते हो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, आपको जो पसंद नहीं आ रहा आपने वो अपने आइडियाज प्रिंट कर दिए। तो मैनेक्यो वाज लाइक क्या कि कभी कभी तो लगता है अपुनिज भगवान है, तो उन्होंने अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन देना चालू कर दी।
दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द चर्च. तो इसी के चलते आप जैसे क्या देखेंगे, व्हेन रोमन रोमन चर्च बिगेन इट्स इनक्विजिशन. ठीक है, इनक्विजिशन मतलब क्या होता है, इनक्विजिशन मतलब कि रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा कोर्ट बैठाया जाता था जहां पे वो व्यक्ति जो धर्म के अगेंस्ट में बोल रहा है या फिर धर्म से जुड़ी हुई कोई बात कर रहा है उसको पनिश किया जाता था. ठीक है, हेरेटिकल आइडियाज मतलब क्या है कि ऐसे आइडियाज जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध जाके बोल रहा है, तो हेरेक्स को पनिश करने के लिए. ठीक है, तो हेरेटिकल आइडियाज मतलब कि जैसे मिनेक्यो एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने अपने इंटरप्रिटेशन दिए जो रोमन कैथोलिक चर्च को पसंद नहीं आए. ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च को पसंद नहीं आए तो रोमन कैथोलिक चर्च ने उसका इंक्विजिशन चलाया. ठीक है, टू रिप्रेस दी हेरेटिकल आइडियाज, मतलब कि पीपल लाइक मेनिक्यो हु वर गिविंग दी आइडियाज विच वर अगेंस्ट दी एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स. एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स के अगेंस्ट में आप बोल रहे हो तो आप हेरेटिकल आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हो, और उन्हें पनिश करने के लिए इंक्विजिशन चलाया गया रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा, जिसमें मेनिक्यो को मेनिक्यो जो है तो उसको जिम्मेदार ठहराया गया और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको सजा सुना दी गई. ठीक है, तो देर वर फियर्स एसोसिएटेड विद प्रिंट्स. प्रिंट्स से जुड़े हुए डर थे लोगों के कि प्रिंट जो है वो तबाह कर देगा सबको, उस तरह के डर थे. ठीक है, इनफैक्ट जैसे अगर आप देखेंगे तो बुक सेलर्स जो थे तो उन्होंने एक क्या करना स्टार्ट कर दी, एक लिस्ट मेंटेन करना शुरू कर दी, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558 की, ये वाली बुक्स अपने को नहीं बेचना है या फिर नहीं प्रिंट करना है. क्यों? क्योंकि चर्च वगैरह के द्वारा, अथॉरिटीज वगैरह के द्वारा बोला जाता था कि तुम प्रिंट को उस लेवल तक मत ले जाओ. ठीक है, तो दिस वॉज द केस. अब लेकिन जैसे हम देखेंगे ना कि क्रांति जो है वो रुकती थोड़ी ना है, तो क्या हुआ, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दी रीडिंग मैनिया. मैनिया मतलब क्या, जैसे आप एक तरह का उत्साह आ जाता है ना सोसाइटी में किसी भी चीज को लेके, जैसे वर्ल्ड कप मैनिया छाया हुआ इस समय पे. वर्ल्ड कप मैनिया मतलब क्या कि हर आदमी उत्साहित है वर्ल्ड कप को लेके, तो वैसे रीडिंग मैनिया में क्या है कि जब प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ, हमने देखा कि अब क्या है कि हियरिंग पब्लिक रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल हो गई है. जैसे आप देख रहे हैं प्रिंट की वजह से, आप क्या देख रहे हो, प्रिंट की वजह से कहीं ना कहीं रिलीजियस डिबेट्स स्टार्ट हो गई है. तो उसी कंटिन्यूशन में आप देखेंगे कि जब इजिली अवेलेबल था प्रिंटेड मटेरियल तो दैट क्रिएटेड अ रीडिंग मैनिया. एक ऐसा माहौल बन गया जहां पे हर व्यक्ति क्या चाह रहा था, हर व्यक्ति अब पढ़ना चाह रहा था, हर व्यक्ति जो है तो उस प्रिंट को न्यू फाउंड ब्लेसिंग की तरह एंजॉय करना चाह रहा था. ठीक है, तो क्या होने लगा, सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स बाय चर्चेस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस. यू मे हैव अ डाउट ओवर हियर कि एक तरफ तो चर्च पनिश कर रहे हैं लोगों को, देवर मतलब ऐसा है कि चर्च ऐसा शो कर रहे हैं कि प्रिंट जो है तो वो फियरफुल है उसको लेके कि कुछ भी लोग प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ चर्च जो है तो क्या करने लगे, स्कूल क्यों लगाने लगे. तो आपको ये चीज समझना होगी कि एक फियर था कि प्रिंट में ट्रिगर रेबेलियस व्यू पॉइंट्स. ठीक है, रेबेलियस या फिर ऐसे आइडियाज जो लोग जिनसे अलाइन नहीं होंगे तो प्रिंट से वो आइडियाज स्प्रेड होना शुरू हो सकते हैं समाज में. लेकिन दूसरे समय पर आपको ये भी समझना होगा कि अब जैसा जैसे सरकारें जो रहती ना, सरकार नहीं चाहेगी क्या कि लोग शिक्षित हो, मतलब इसको वैसे लेना, लिटरल सेंस में मत लेना, सरकार नहीं चाहेगी कि लोग इतने समझदार हो जाए कि वो सरकार की पॉलिसीज में लूप होल ही ढूंढ लें. मतलब जैसे एक अवेयर कह सकते हैं सिटीजन का रोल क्या रहेगा कि वो ये समझ जाता है बहुत जल्दी कि सरकार कहां मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है. लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि सरकार ये भी चाहेगी कि क्या हो कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे ताकि लोगों को बता तो सके कि हम काम कर रहे हैं, समझ रहे हो. तो गोलमाल है सब. तो यहां भी वही केस है क्या कि चर्चेस जो थे तो दे वर फियरफुल कि प्रिंट में ट्रिगर दी रिबेलियस आइडियाज, लेकिन एट द सेम टाइम चर्चेस को यह भी दिखाना था कि वो लोगों के वेलफेयरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं. तो बहुत सारे स्कूल्स वगैरह ये भी स्टार्ट करना, एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जिसके चलते लिटरेसी रेट भी बढ़ा, यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ा. ठीक है, एक वर्चुअल रीडिंग मैनिया टाइप से बन गया था, 60-80% जैसे लिटरेसी रेट बढ़ गया. ठीक है, रीडिंग मैनिया क्रिएट हो गया था जहां पे एवरीवन वाज एक्साइटेड अबाउट प्रिंट, एवरीवन वाज एक्साइटेड अबाउट रीडिंग लर्निंग. तो उसी के चलते आप क्या देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का पॉपुलर लिटरेचर भी प्रिंट में आपको देखने को मिल गया. मतलब क्या प्रिंट किया जाता था, सिर्फ किताबें नहीं प्रिंट की जाती थी. तो एग्जांपल के तौर पर जैसे एल्मेनैक्स वगैरह प्रिंट किया जाने लगे. एल्मेनैक्स मतलब कैलेंडर टाइप की चीज जिसमें पूरा ईयरली वो रहता था कि कब कौन से पंचांग आ रहे हो. ठीक है, बलैड्स एंड फोक टेल्स वर पब्लिश्ड. बलैड मतलब वही लोक गीत टाइप की कहानियां वगैरह, ये सारी चीजें. फोक टेल्स भी वही कि रीजनल लेवल पे जो स्टोरीज वगैरह होती थी वो सब कुछ प्रिंट किया जाने लगा. इनफैक्ट आप जैसे देखेंगे तो पेनी चैपमैन्स होते थे जो सस्ती किताबें, पेनी पेडलर्स होते थे जो क्या करते थे गांव जाके कम दामों में बेच के आया करते थे. तो पेनी चैप बुक्स वर सिलेक्टेड बाय चैपमैन्स इन इंग्लैंड. सिलेक्टेड नहीं आएगा यहाँ और कुछ शब्द होगा. ठीक है, वर
सोल्ड बाय चैपमैन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जाके क्या है कि चैपमैन होते थे जो चैप बुक्स छोटी छोटी सस्ती सस्ती पेनी बुक्स जिन्हें कहा जाता था उनको बेचते थे। ठीक है, फ्रांस में जैसे देखेंगे तो बिलियोथिक ब्लू वर सोल्ड। फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू क्या है, तो सस्ते ब्लू कलर में कवर्ड बुक्स होती थी ताकि हर आदमी अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो इस तरह से किताबें जो हैं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पॉपुलर लिटरेचर डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलर लिटरेचर या फिर न्यू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपियर्ड इन प्रिंट। ठीक है, पीरियोडिकल प्रेस वर डेवलप्ड विच प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट अफेयर विद एंटरटेनमेंट्स वॉर्स एंड ट्रेड। तो न्यूज़पेपर से स्टार्ट हो गए, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वॉर हो गया, ट्रेड हो गया, इनसे जुड़ी हुई जानकारी प्रिंट में देने लगे, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स वगैरह चलने लगे। द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल बनता है यहाँ पे कि व्हाट वाज द रीडिंग मैनिया। तो एक तो सीधा क्वेश्चन बन गया, तो आपको ये बन जाएगा कि व्हाट वाज रीडिंग मैनिया। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन द प्रिंट वाज ऑन इट्स बूम देयर वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर व्हिच अपीयर्ड इन द प्रिंट। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, घुमा के आ गया। तो यूरोप में क्या अलग अलग प्रकार के पॉपुलर लिटरेचर थे जो अपियर हुए, तो वो ये सारी चीजें लिखेंगे आप कि न्यूज़पेपर जर्नल्स हो गए, एलमनैक्स, बलैड्स, फोक टेल्स वगैरह जो होते थे वो प्रिंट होने लगे, चैप बुक्स वगैरह के बारे में लिख सकते हो। साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो ऐसा सवाल बन गया, व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ डिफरेंट न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी मटेरियल्स। तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि जैसे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स के आइडियाज को प्रिंट किया जाने लगा, जैसे आइजैक न्यूटन वगैरह जो है इनकी डिस्कवरीज को पब्लिश किया जाने लगा। ठीक है, वॉर वगैरह ये तो मैंने बताया दिया, न्यूज़पेपर में वॉर ट्रेड इसकी इन्फॉर्मेशन आती थी। साथ ही साथ राइटिंग ऑफ थिंकर्स की जो राइटिंग होती थी, जो थिंकर्स सोचते थे वो लिखना शुरू कर दिया। क्लास 9th की याद आ रही होगी आपको, जी हाँ, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थिंकर्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, वो आगे भी टॉपिक और एक सवाल आता है उस पर। ठीक है, तो द राइटिंग ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पेन, वोल्टेयर एंड जीन जैक्स रूसो वाइडली प्रिंटेड ऑन एंड रेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब यहां पे जिस तरह आप देखेंगे तो प्रिंट को इस तरह से वो जो रीडिंग मैनिया क्रिएट किया गया प्रिंट से एसोसिएटेड, कि वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे सोसाइटी में प्रिंट को एज अ टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाने लगा। एक टॉपिक है आपका ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हियर यू स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको टॉपिक समझ में आ गया, ट्रेम्बलिंग मतलब आप डरने लगते हो ना। तो वही यहां पे भी कहा गया है कि ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि जो टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है, टेरेंट्स मतलब क्या है, अगर एक एक लिटरल मीनिंग पर जाए, ट्रेम्बल मतलब होता है इनवॉलेंट्री शेकिंग और मूवमेंट। ठीक है, कि आप मतलब थरथरा रहे हो, कांप रहे हो, वो आप जानबूझ के नहीं करो ना, अपने आप हो रहा है, तो वो ट्रेम्बल होता है। टेरेंट्स मतलब क्या होता है, टेरेंट्स मतलब क्रूअल और ऑप्रेसिव रूलर्स जो होते हैं, ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो मतलब आगे पीछे शब्द है लेकिन उसको ऐसे समझना है कि जो टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, जो क्रूअल और ऑप्रेसिव रूलर्स हैं, वो थरथरा गए, कांप गए, डर गए, सहम गए। क्यों? क्योंकि प्रिंट आ चुका है, प्रिंट ने वो बदलाव ला दिया है। जैसे आज हम बोलेंगे ना कि कहीं भी हम कैमरा खोल के खड़े हो जाते हैं कि गलत करके दिखाओगे तो वीडियो बन रहे हैं, लाइव चले जाएंगे अभी इंस्टाग्राम लाइव। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उससे आप क्या कर रहे हो कि जो गलत करने वाला व्यक्ति उसको थरथरा दे रहे हो। तो वैसे ही क्या है कि बुक्स जो थी, प्रिंट जो था, तो प्रिंट कुड हैव क्रिएटेड दैट सिचुएशन बैक देयर। ठीक है, उस समय पे आप जैसे देखोगे तो प्रिंट ने वो स्थिति बना दी थी, इसीलिए यहाँ पे एक जिक्र भी आएगा किस चीज का, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर का। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर जो थे तो वो एक क्या थे, एक ऑथर थे, और वो अपनी बुक्स में बताते थे कि जैसे हम देखते हैं कि आज मूवी चलती है तो मूवीज में हीरो कैसे बन रहे हैं, जिम कर रहे हैं और सारी चीजें। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, वो हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और वैसे वो हीरो बना। तो इनकी किताबों में, ऑथर्स की किताबों में एक हीरो जो होता था, फ्रिक्शनल हीरो, वो हीरो कैसे बनता था, वो किताबें पढ़ता था, किताबें पढ़ पढ़ के उसको ज्ञान आ जाता था। ठीक है, और फिर वो क्या करता था कि जो भी विलेन वगैरह होते थे तो उनको मारपीट करता था, ये सारी चीजें। तो मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट कुड चेंज द वर्ल्ड एंड लिबरेट द सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टेरेनी। और इन किताबों में ये जो सारा सब कुछ इस तरह से करता हुआ व्यक्ति होता था ना, जो बदलाव ला रहा होता था, वो पढ़ के बदलाव ला रहा होता था। ठीक है, बुक्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था कि जो सोसाइटी में क्रुएलिटी को, डेस्पोटिज्म को, टेरेनी को, अत्याचार को खत्म कर देगी। ठीक है, वही लुईस सेबेस्टियन मर्सियर ने, ठीक है, अपनी बुक्स में उस तरह से हीरोज वगैरह को प्रोजेक्ट किया। इनफैक्ट वो लिखते भी है क्या, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस,
एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे. मतलब जितने भी ये वो टाइम पीरियड है जैसे आप देखेंगे 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी का, जब मोनार्क्स थे, जब डेमोक्रेसी नहीं थी, तो उसके अगेंस्ट में बदलाव लाने की जब सोच रखते थे तो उस बदलाव को कैसे लाया जा सकता था, प्रिंट की मदद से लाया जा सकता था. तो ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो चीज दर्शाई गई यहाँ पे. ठीक है, देखो मैं हर टॉपिक को पर्याप्त समय देते चल रहा हूं, जल्दी कुछ नहीं है. पॉइंट ये है कि तुम्हें वो चीज फटाफट से वन शॉट में समझ आना चाहिए, सवाल कैसे बन सकते हैं वो समझ में आना चाहिए. अब आता है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अगेन जरा इसको टीकी बिंदी चंदन लगाओ इस टॉपिक को. डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रीडिंग मैनिया जो क्रिएट हुआ था, थिंकर्स वगैरह के आइडियाज को भी अब क्या किया जा सकता था, पढ़ा जा सकता था, समझा जा सकता था. तो दैट प्रिंट कल्चर हेल्प्ड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब सवाल ये आता है कि हाउ प्रिंट कल्चर हेल्प्ड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउ प्रिंट रेवोल्यूशन ट्रिगर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सवाल बहुरूपिया होगा, तो वो प्रिंट कल्चर से फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे आया. तो प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड. प्रिंट कल्चर ने वो कंडीशन बनाई जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. सवाल कैसे कैसे. तो तीन पॉइंट से और एक कंक्लूजन है, वो आपको ध्यान रखना है. पहला पॉइंट कि प्रिंट्स पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स, जैसे रूसो हो गया, ठीक है, थॉमस पेन हो गए, जॉन लॉक हो गया, ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू हो गया. ये सारे थिंकर्स के नाम आपने 9th हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पहली बार सुन रहे हो. तो भी ये वो लोग थे जिन्होंने सोसाइटी को अलग तरीके से देखा, जिन्होंने इक्वालिटी की बात करी, डेमोक्रेसी की बात करी, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी, जिन्होंने बोला कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राजा राजा क्यों रूल करें, ठीक है, जनता का भी हित होना चाहिए. और इस तरह के एनलाइटेंड थिंकर्स के जब आइडियाज थे तो ये लोगों तक कैसे पहुंचेंगे. मैं इसके कान में बोलूंगा, वो उसके कान में बोलेगा, बहुत समय लग जाएगा, रेवोल्यूशन आ ही नहीं पाएगा, क्रांति बुझ जाएगी. तो इसके लिए क्या है कि मीडियम ऑफ कह सकते हैं, मतलब the medium to spread the information should be there, और वो medium बनता है print. तो print popularized the ideas of enlightened thinkers, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, their ideas, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो enlightened thinkers थे उनके ideas जो थे, their ideas argued to judge everything through the application of reason and rationality, ठीक है. Writing of Voltaire and Rousseau were read widely. तो Voltaire हो गए, Rousseau हो गए, thinkers जो थे, तो इनके ideas को लोगों ने पढ़ना शुरू किया. अब इनके आइडियाज क्या थे, तो ये बोलते थे कि हर चीज को क्वेश्चन करो, हर चीज को क्या करो, रैशनल के रीजन के बेसिस पे करो, बस ऐसे नहीं कि फॉलो करते आओ. तो उसे कहीं ना कहीं जो सोसाइटी थी, जहां पर जैसे आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा तो सोसाइटी में वो कंसेंसस डेवलप हो रही थी कि हाँ बात तो सही है, उस टाइप की, ठीक है. तो वो हुआ, द प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स. प्रिंट के आने से सोसाइटी में एक नया कल्चर डेवलप हुआ. जब एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को पढ़ा तो मैंने किसी से कुछ कहा कि मैंने ये पढ़ा, उसने बोला नहीं मैंने ये पढ़ा, तो एक डिबेट एंड डिस्कशन वाला माहौल क्रिएट हुआ, जिसके चलते सही को सही, गलत को गलत बोलने के लोगों के अंदर हिम्मत आने लगी. वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस वर री इवैल्यूएटेड. लोग सवाल उठाने लगे, डिस्कशन होने लगा पब्लिक में. द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ्स केम इनटू पब्लिक स्फीयर. ठीक है, अब वो सवाल उठने लगा कि जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है ये सही है या गलत है, क्या बदलाव जरूरी है. समझ में आ रहा है ना. तो एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज सिंपल तीन पॉइंट में आंसर और एक कंक्लूजन लिखेंगे. ठीक है, डिबेट एंड डायलॉग वाला माहौल क्रिएट हुआ. तीसरी चीज की आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर मॉक द रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी. फिर क्या होता है कि अब लोगों के पास में टूल था कि वो क्या कर सकते थे, जो रॉयलिटी थी, रॉयलिटी मतलब जो रूलर्स वगैरह थे वो जिस तरह से जीवन जी रहे थे, तो उसको क्वेश्चन करने के साथ साथ उसको एक तरह से कह सकते ना कि क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया. ठीक है, आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर मतलब क्या है कि अब कार्टून्स कैरिकेचर्स बनाए जाने लगे. कैरिकेचर्स मतलब वो एक ऐसा नहीं रहता है, कार्टून रहता है, उसका एक बबल निकल के आ जाता है, कुछ कुछ कॉमेंट्री लिखी रहती है उसमें. ठीक है, तो अब क्या होने लगा कि नया नया लिटरेचर जैसे कार्टून्स कैरिकेचर्स आ गए, जो कि ये बता रहे हैं कि मोनार्क वगैरह तो प्लेजर कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और कॉमन पीपल सफर कर रहे हैं, ये गलत है. ठीक है, तो जब इतना प्रिंटेड मटेरियल लोगों तक अवेलेबल था, डायलॉग्स डिबेट्स हो रहे थे, थिंकर्स के आइडियाज को पढ़ रहे थे, वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो गलत था उसको प्रिंट के माध्यम से बता सकते थे. तो क्या देखेंगे आप कि इसके चलते देयर वॉज अ कंडीसिव एनवायरमेंट क्रिएटेड फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेकिन आपको एक चीज समझना होगी, क्या, कि वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर. तो अगर ये सारी चीजें मोनार्क्स के अगेंस्ट में जा रही थी तो मोनार्क्स अपने सपोर्ट में भी चीजें प्रिंट करते थे, अपने सपोर्ट में भी प्रिंट करते थे चीजें. ऐसा नहीं है कि एक तरफ आई, जैसे अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो सिर्फ एक पार्टी प्रचार नहीं करती है, प्रचार अगर एक माध्यम है तो दूसरी पार्टी भी प्रचार करती है. तो प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप द माइंड्स.
बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली. तो हम ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट प्रिंट से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, लेकिन यस प्रिंट ओपनड अप द पॉसिबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली, अलग तरह से सोचने की पॉसिबिलिटी को खोल दिया प्रिंट ने, समझे. तो अब आप जिस देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि हाँ यूरोप में किस तरह से प्रिंट जो है इवॉल्व हो रहा है. चाइना से यूरोप पहुंच गया, यूरोप में आप जैसे देखेंगे तो प्रिंट रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, एक रीडिंग मैनिया क्रिएट हो गया. फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहीं ना कहीं प्रिंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा. अब आते हैं 19th सेंचुरी ताजा ताजा, ठीक है. 19th सेंचुरी ताजा ताजा में अगर जैसे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है 19th सेंचुरी में क्या होगा. 19th सेंचुरी में आप जैसे देखेंगे कि किस तरह से प्रिंट और इवॉल्व हुआ, प्रिंट और इवॉल्व हुआ. तो चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, तो बच्चों के लिए क्या आपको देखने को मिलता है कि जैसे स्कूलिंग वगैरह कंपलसरी जब हो गई तो चिल्ड्रन बिकेम अ वेरी टारगेटेड ऑडियंस. कि भैया आज जैसे आप देखोगे तो आज भी प्रिंट जो है तो किताबों में बच्चों के लिए किताबें सबसे ज्यादा प्रिंट हो रही है, ठीक है. बच्चों के लिए किताबें सबसे ज्यादा प्रिंट हो रही है. तो यहाँ पे वही हुआ कि फ्रांस में एक चिल्ड्रन प्रेस स्टैब्लिश की जाती फ्रांस में 1857 में, जिसमें डेडिकेटेड बच्चों के लिए किताबें वगैरह प्रिंट हो रही है. ग्रिम ब्रदर्स जो थे तो जर्मनी में जो ग्रिम ब्रदर्स थे तो उन्होंने सालों बिता दिए घूमते घूमते, और जितने भी फोक टेल्स थी, ठीक है, फोक टेल्स को इकट्ठा किया, अलग अलग पीजेंट से गांव गांव जाके कहानियां कविताएं और वो सारा सब कुछ कंपाइल करा. कंपाइल करके बच्चों के लिए क्या किया है, उन्होंने किताबें निकाली ग्रिम ब्रदर्स ने, ठीक. वैसे अगर आप जैसे देखेंगे तो अब क्या प्रिंट किया जा रहा है बच्चों के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए सेंसरशिप होती थी कि बच्चे बच्चे तो जो पढ़ेंगे वो सीख लेंगे. वही सोशल मीडिया के साथ भी ना, कि जो देखेंगे वो सीख लेंगे. तो इसके लिए क्या उसको सेंसरशिप करना जरूरी समझा गया. तो इस तरह से आप देखेंगे 19th सेंचुरी में. अब आप पे सवाल ऐसे ही बनता है कि हाउ द प्रिंट इवॉल्व फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, सिंपल सवाल बन गया. अब अगर ऐसा बोल जाएगा कि 19th सेंचुरी में देयर वर डिफरेंट सेक्शंस फॉर हुम द प्रिंट वाज कैटरिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट नीड्स ऑफ द पीपल, प्रिंट वाज कैटरिंग इन अ डिफरेंट स्टाइल इन 19th सेंचुरी. अब वो डिफरेंट नीड्स क्या क्या थी, तो बच्चों की नीड ये थी. जैसे अगर आप देखेंगे वुमेन जो है, तो वुमेन वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ. अब आपको वुमेन के कंटेक्स्ट में लिखना होगा. तो ध्यान रखना, सवाल हर टॉपिक से बनने की पॉसिबिलिटी है. तो हर टॉपिक से जब सवाल बनने की पॉसिबिलिटी, तो आपको चैप्टर पढ़ते समय वो चीज भी ध्यान रखना होगी, क्लियर हुआ. अब वुमेन की अगर हम बात करें तो वुमेन भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी. कैसे, 19th सेंचुरी में वुमेन बिकेम एन इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर. पढ़ तो रही थी घर पे, साथ ही साथ उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया, ठीक है. वो जो लिखती थी उसको फिर पब्लिश कर दिया जाता था पब्लिशर्स के द्वारा. तो पेनी मैगजीन्स वगैरह वुमेन के लिए छपती थी, जिनमें टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर, हाउसकीपिंग के, बस बोलते ना दादी नानी के नुस्खे, तो वो सारी किताबें वगैरह भी छपना शुरू हो गई थी उस टाइप के. अब साथ ही साथ जब इंपॉर्टेंट राइटर्स भी थी, तो राइटर्स या फिर नॉवलिस्ट कहेंगे, जैसे जैन ऑस्टिन, बॉर्नेट सिस्टर, ठीक है, जॉर्ज एलियट, तो ये जो राइटर्स थी, नॉवलिस्ट थी, ये क्या करती थी, ये ऐसा लिखती थी कि जिससे वो विमेन को नई तरह से रीडिफाइन कर रही थी, कि उनकी राइटिंग्स के थ्रू वो बताने चाह रही थी कि महिलाएं क्या चाहती हैं, महिलाएं सशक्त हैं, ठीक है. तो उनकी राइटिंग्स में वो विमेन को एक पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक, इस तरह की पर्सन प्रोजेक्ट करती थी. क्यों, क्योंकि सोसाइटी उस समय तक भी 19th सेंचुरी तक भी पैट्रियार्कल थी. विमेन को क्या माना जाता था, एक तरह से विमेन को सबॉर्डिनेट माना जाता था. तो वो अपनी उस सिचुएशन से, मतलब अपनी राइटिंग से महिलाओं की सिचुएशंस को इंप्रूव करने पे फोकस करती थी, समझ गए. अब वर्कर्स की बात आती है, आ जाओ भाई साहब, वर्कर्स. तो वर्कर्स का भी जैसे आप देखेंगे 19th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी थे जो प्रिंट से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, ठीक है. जैसे लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह उस समय तक एस्टैब्लिश कर दी गई थी, चालू कर दी गई थी, जहां पे लोग किराए से किताबें ले जा सकते थे, पढ़ सकते थे. सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल जो थे ना, तो दे रोट फॉर देमसेल्फ, तो वो पढ़ते थे किताबें, पढ़ने के साथ साथ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. जब वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया गया तो अब लोगों को टाइम मिल गया. टाइम मिल गया किस चीज के लिए, पढ़ने के लिए. तो टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, इस तरह से उन्होंने क्या है कि पढ़ना जो है वर्कर्स के बीच में भी एक क्या बन गया, एक तरह से स्टेटस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट बन गया, कि हाँ वो पढ़ रहे हैं, ठीक है. दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्स एंड ऑटोबायोग्राफीज, तो उन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्स, उस समय क्या चल रहा है सोसाइटी में, अपनी ऑटोबायोग्राफीज, ये सारा लिखना सबको चालू कर दिया, ठीक है. अब आप जिस देखेंगे ना, तो अभी कहानी खत्म हुई नहीं है. 19th सेंचुरी तक हमने देख लिया कि प्रिंट कितना इवॉल्व हो गया. प्रिंट इज कैटरिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, ठीक है. अलग अलग सेक्शन जो थे सोसाइटी के, उनको अलग अलग नीड्स उनकी फुलफिल कर रहा था. अब आप देखेंगे तो प्रिंटिंग टेक्निक में और फर्दर इनोवेशंस हुए. लगाओ जरा टिकी बिंदी चंदन, सीधे सीधे क्वेश्चन बता रहा हूं इस चैप्टर से. तो अब एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इन द 19th एंड 20th सेंचुरी व्हाट वर द इनोवेशंस व्हिच टुक प्लेस इन प्रिंट या फिर इन प्रिंटिंग टेक्निक. तो प्रिंटिंग टेक्निक में, प्रिंट में
क्या इनोवेशंस हुए 19th-20th सेंचुरी में। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो देयर वर सीरीज ऑफ इनोवेशंस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल चेंजेस हुए। और वो मल्टीपल चेंजेस क्या थे? वो मल्टीपल चेंजेस ये थे कि अब पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस आ गई थी। पहले क्या था? पहले मैनुअल प्रेस होती थी, प्रिंटिंग प्रेस। अब रिचर्ड एम होव, अगेन ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल, जहां जहां नाम है, जहां जहां बुक्स है, जहां जहां न्यूज़पेपर है, तो वो चीज क्या है? क्वेश्चन बन के वैसे आ जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे लिखा गया क्या कि पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस जो है तो वो रिचर्ड एम होव के द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है। फिर आप ये इनोवेशन से ऑफसेट प्रेस आ गई थी, ठीक है, विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम। पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, अब 6 कलर प्रिंट किए जा सकते थे। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सीलरेटेड द प्रिंटिंग ऑपरेशन। पावर ड्रिवन में भी आप जैसे देखेंगे तो अब और अपग्रेड होकर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस आ गई। मेथड्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग नहीं आएगा, मेथड्स ऑफ फीडिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर, मतलब कैसे आप मशीन में पेपर डाल रहे हैं। पहले बहुत मैनुअल होता था, अब जैसे आप देखते प्रिंटर ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रिंट कर देते, तो मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर वर इंप्रूव्ड, पेपर क्वालिटी बिकेम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर वर, कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे। साथ ही साथ अब क्या है कि लोग जैसे होता ना कि क्या एक कोई भी सीरीज आई है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्या क्या बोले, हाँ तो कौन सी सीरीज चलाए हम, गोलमाल, ठीक है। तो गोलमाल वन आई, तो टू, वन के बाद में टू का वेट करेंगे लोग, टू के बाद में थ्री का वेट करेंगे, थ्री के बाद में फोर का वेट। तो सीरियलाइज कर देने से ये रहता है कि एक्साइटमेंट बनी रहती है, ठीक। तो वही यहाँ पे भी क्या कि एक इनोवेशन भी है ना, ये भी एक तरह का इनोवेशन है कि पब्लिशर्स ने क्या कर दिया, पीरियोडिकल्स वर सीरियलाइज, ठीक है, मतलब पीरियोडिकल्स वर सीरियलाइज एंड द इंपॉर्टेंट नॉवल्स जो थे, इंपॉर्टेंट नॉवल्स थे तो उनको सीरीज में निकालना शुरू कर दिया। कैसे कि एक पार्ट आया फिर दूसरा पार्ट आया, तो लोग एक्साइटमेंट में वेट करते थे। फिर क्या है, डस्ट कवर और दी जैकेट वर इन्वेंटेड, तो बुक्स के ऊपर डस्ट कवर और जैकेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए, तो बुक्स उससे थोड़ी सी प्रीमियम लग्जरी फील देने लगी। चेंजेस ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, और वो चेंजेस क्या थे कि चीप पेपर बैग एडिशन, जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे लोगों को ये डर लगा कि अब लोग किताबें, क्योंकि लोगों को खाने की किल्लत हो रही थी तो किताबें क्यों खरीदेंगे, तो उन्होंने बोला कि डिमांड को सस्टेन करने के लिए हम सस्ती किताबें निकालते हैं, तो चीप पेपर बैग एडिशन निकाले गए कि सस्ती किताबें खरीद लेंगे लोग, तो अपन सस्ते पेपर्स पर किताबें निकाल दो। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस्ड, या फिर कह सकते हैं ये इनोवेशंस थे। अब यूरोप में प्रिंट किस तरह से इवॉल्व हुआ, हाउ यूरोप में, मतलब हाउ द प्रिंट शेप्ड कह सकते हैं दी मॉडर्न वर्ल्ड, या फिर कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ यूरोप वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम आते हैं इंडिया वाले पार्ट पे, तो इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, ठीक है, एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो यहां आप जैसे देखेंगे तो इंडिया में प्रिंटिंग टेक्निक कैसे आई, तो आज की नहीं है, पहले भी हमारे जब प्रिंटिंग टेक्निक नहीं थी तब कैसे काम चलता था, वही मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखा जाता था। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूज्ड बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट के प्रिंटिंग टेक्निक के आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। जो किंग्स होते थे, रूलर्स होते थे, तो दे यूज्ड टू हैव द कोर्ट स्क्राइब्स, ठीक है, जो बैठ के लिखते थे, और वो जैसे वही बार्क ऑफ द ट्री हो गया, लीव्स हो गया, इन पे लिखा जाता था। और ओरल कल्चर प्रोमिनेंट था, ओरल कल्चर इतना प्रोमिनेंट था कि बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, उसके बावजूद भी लिटरेसी लेवल बंगाल वगैरह वाले रीजन में बहुत हाई था, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वगैरह में, ठीक है। अब लेकिन ये वही मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशन थी, अगेन क्वेश्चन यहां से बनता है ये वाला बार बार कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो इसमें आप कॉमन आंसर लिख सकते हैं, एक्सपेंसिव, लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग, ऑकवर्ड टू हैंडल, ठीक है। तो ये सारे लिमिटेशन थे, और इसी के चलते आप देखेंगे तो प्रिंटिंग टेक्निक इंडिया में भी धीरे धीरे अडॉप्ट होगी। कैसे अडॉप्ट होगी, तो हाउ प्रिंट केम टू इंडिया, तो गोवा से स्टार्ट करते हैं। जो पोर्टुगीज मिशनरीज थे वो गोवा आए, गोवा में आने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां की रीजनल लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग चालू करी। अब ऐसा नहीं कि आते से उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया होगा, क्यों, क्योंकि वहां इंग्लिश तो जानते ही नहीं लोग, तो जैसे जेसुइट प्रीस्ट वगैरह जो आए थे उन्होंने क्या किया, गोवा में आने के बाद में प्रिंटिंग अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, और जैसे कोंकणी लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज में लिखा, तमिल लैंग्वेज में फिर प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, मलयालम लैंग्वेज में होती है, और फिर कहीं इंग्लिश में प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और रीजनल ट्रैक्स जो थे तो उनकी कॉपी बना दी जाती थी। फैक्ट्स हैं बहुत सारे, पहली बार में जरूरी नहीं आपको फैक्ट्स ध्यान रखना, लेकिन आपको यह ध्यान रखना कि इस तरह से प्रिंट इंडिया में आया कि बाहर से जो मिशनरीज आए उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस सीखी, लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग स्टार्ट करी, ठीक है, और वो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस पहले प्रिंट स्टार्ट हुआ, फिर इंग्लिश में भी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। इनफैक्ट जैसे अगर आप देखेंगे यहां पे जेम्स ऑगस्टस हिकी की कहानी बताई गई है इस टॉपिक में, ठीक है, हाउ प्रिंट केम टू इंडिया। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी क्या है,
यू नो यहां पे एक वीकली मैगजीन चालू करी, नाम ध्यान रखना बंगाल गैजेट, ठीक है। ये जो बंगाल गैजेट था इसे हिकीज बंगाल गैजेट भी कहा जाता है, हिकीज बंगाल गैजेट भी कहा जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिकी थे कौन भाई साहब, तो ये एक कह सकते एक ट्रेडर थे, ठीक है, एक ट्रेडर थे, एक इंग्लिशमैन थे जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया और वो एक कमर्शियल पेपर चलाते थे जिसमें सारी न्यूज देते थे ट्रेड से वगैरह जुड़ी हुई ये सारा सब कुछ, और वो क्या बोलते थे कि बंगाल गैजेट जो है तो इट इज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, ठीक है, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं, मैं तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं लिखता हूं। और इसी न्यूज़पेपर में वो क्या करने लगे थे, इसी न्यूज़पेपर में जैसे अगर आप देखेंगे तो देयर वाज दी ही स्टार्टेड दी कंट्रोवर्सी, या फिर कह सकते हैं कि वो कंपनी ऑफिशियल्स की गॉसिप्स वगैरह लिखने लगे थे, ठीक है। तो ही केम इन दी कंट्रोवर्सी, ही केम इन दी कंट्रोवर्सी विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्यों, क्योंकि उस जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा बंगाल गैजेट के जो कमर्शियल पेपर जो होता था इसमें कंपनी ऑफिशियल्स वगैरह की गॉसिप्स वगैरह लिखना शुरू कर दी, और ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उस समय उनको पसंद नहीं आया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने क्या बोला कि ये गलत है, जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है तो वो क्या कर रहा है, प्रिंटिंग की मदद से अपने देश में ब्रिटेन में, ठीक है, इंडिया में जो लोग आए थे ब्रिटेन से ट्रेड करने उनको बदनाम कर रहा था। तो जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो थे, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग उस समय पे जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हिकी से बोल दिया कि रुक जा तेरी क्लास लगाता हूं जन, और ये जो हिकी था, ठीक है, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी वॉज लाइक कि मेरे मुंह से निकल गई भैया, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या कि वॉज प्रोसिक्यूटेड, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है तो उन्हें पनिश किया गया उस चीज के लिए। सर मैं तो पॉइंट क्या हो रहा है ना, पॉइंट ये हो रहा है कि हाउ प्रिंट केम टू इंडिया, तो प्रिंट जो है रीजनल लैंग्वेजेस के साथ शुरू हुआ। इनिशियली प्रिंट जो है तो वो जो लोग प्रिंटिंग जानते थे जैसे जेम्स ऑगस्टस हिकी वगैरह उन लोगों ने ही शुरू किया, फाइन। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडियंस थे कि नहीं सर प्रिंटिंग में, तो थे इंडियंस हु पब्लिश्ड इंडियन न्यूज़पेपर, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडियंस ऑल्सो कह सकते हैं एंटर इनटू दिस प्रिंटिंग एंड ऑल। तो यहां पे बंगाल गैजेट ही शुरू किया गया, किसके द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। अब कंफ्यूजन कि बंगाल गैजेट हिकी का था कि गंगाधर भट्टाचार्य का था, तो अगर आपसे वीकली मैगजीन पूछा जाए, ठीक है, तो वो वीकली मैगजीन जो था जेम्स ऑगस्टस हिकी का था, और न्यूज़पेपर हु स्टार्टेड दी न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट, तो न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाले जो थे वो गंगाधर भट्टाचार्य थे, ठीक है। बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाले कौन थे, गंगाधर भट्टाचार्य थे, ध्यान रखना। ये वीकली मैगजीन थी, ये न्यूज़पेपर था, इंडियन न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाले गंगाधर भट्टाचार्य थे, और उनके भी कह सकते हैं न्यूज़पेपर का नाम बंगाल गैजेट था, ये एक वीकली मैगजीन थी, कमर्शियल पेपर था, क्लियर हुआ। अब ये इस तरह से आप जैसे देखें इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, तो इंडिया एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट विद द कह सकते हैं विद द कमिंग अप ऑफ द पोर्टुगीज मिशनरीज इन गोवा, और फिर वहां से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप जैसे देखेंगे ना तो रीजनल लैंग्वेजेस में पहले स्टार्ट हुआ, फिर इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, हिंदी तो अभी और आ गया है, ठीक है, हिंदी अभी और आ गया है। तो अब ये प्रिंट जैसे देखो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, हमने वहां देखा था कि प्रिंट के आने से जैसे यूरोप में रिलीजियस डिबेट्स स्टार्ट हुई, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड ना, तो वही पैटर्न आपको इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, क्या कि प्रिंटिंग टेक्निक के आ जाने से कहीं ना कहीं रिलीजियस रिफॉर्म के इर्द गिर्द चीजें बातें चालू हो गई, ठीक है। कैसे, तो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, यहां भी वही केस हुआ, क्या केस हुआ कि प्रिंट जो है ना ओपन दी पॉसिबिलिटीज, कैसी पॉसिबिलिटीज, तो रिफॉर्म्स एंड काउंटर रिफॉर्म्स के लिए, कि जो लोग जो थे तो वो किसी चीज से खुश थे ना खुश थे, तो उस चीज को क्या करने लगे, पब्लिक डोमेन में डिस्कस करने लगे, प्रिंट की मदद से वो डिस्कशन की पॉसिबिलिटी और वाइड हो गई है, ठीक है। तो जो लोग किसी चीज से खुश थे तो वो लिखते थे, ना खुश थे वो भी लिखते थे, लोग पढ़ते थे तो बदलाव लाया जा सकता था, और वही एग्जांपल आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो जैसे रिफॉर्मर्स जो थे, ठीक है, तो रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय वगैरह जो है, तो वो खुल के लिखते थे किस चीज के अगेंस्ट में, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में, आइडियोलेट्री, ठीक है, कह सकते हैं कि सती प्रथा के अगेंस्ट में जैसे लिखते थे, ठीक। तो रिफॉर्मर्स क्या है, रिफॉर्मर्स रोट ओवर द इश्यूज लाइक विडो इमोलेशन, ठीक है, फिर उसके बाद में मोनोथीइज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड की ब्राह्मण्स क्यों डोमिनेट कर रहे हैं, इस तरह से आइडियोलेट्री मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में, तो उन्होंने लिखना शुरू करा। अब वो जब लिखते थे तो उनको काउंटर करने के लिए जो कह सकते हैं हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है, जो लोग बदलाव नहीं चाहते थे वो लोग भी लिखते थे। तो जैसे न्यूज़पेपर्स का जिक्र है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन के आने की पॉसिबिलिटी यहां से बनती है कि संबंध कुमोदी जैसे क्या है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो न्यूज़पेपर चलाया जाता था, इसी को काउंटर करने के लिए समाचार चंद्रिका जो है तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स, मतलब पुराने लोग, हिंदू ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने लोग जो चेंज नहीं चाहते थे,
ठीक है, उनके द्वारा समाचार चंद्रिका नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया गया। साथ ही साथ जैसे आप देखेंगे फ्रॉम 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर, 1822 से जैसे अगर आप देखेंगे तो दो न्यूज़पेपर, पर्शियन न्यूज़पेपर जामे जहाननामा और शमशुल अकबर, ये दो पेपर चालू किए गए। उसी सेम ईयर में एक गुजराती न्यूज़पेपर जिसका नाम था बॉम्बे समाचार भी आया। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट आप जैसे देखेंगे तो रिलीजियस रिफॉर्म में आप देखेंगे कि प्रिंट का इंपैक्ट जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में रहा, तो जैसे मुस्लिम डायनेस्टीज का कोलैप्स हो गया, ब्रिटिशर्स आ गए, तो मुस्लिम उलेमास वगैरह जो थे, जो रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह थे, उनको ये डर लगता था कि लोग धर्म को भूल जाएंगे, तो वो फतवा इशू करने लगे जिसमें लोगों को बताते थे कि व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। हिंदूज में जैसे अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिंट किया जाने लगा। तो जैसे 1810 में क्या है, रामचरितमानस का प्रिंट निकल के आया कोलकाता में, पहला प्रिंट, प्रिंटेड कॉपी बन के आई उसकी। अभी तक क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स चल रही थी, तो उसकी प्रिंटेड कॉपी निकल के आ गई। ठीक है, तो अब क्या है कि रिलीजियस आइडियाज लोगों तक पहुंचाए जा सकते थे। जैसे बहुत सारी प्रेस स्टार्ट हुई, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में, ठीक है, तो ऐसी अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो है स्टार्ट हुई, जो रिलीजियस टेक्स्ट को क्या करने लगी थी, रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह को प्रिंट करने लगी थी। तो कुल मिला के क्या है कि प्रिंट ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया पब्लिक डिबेट के लिए। लोग जो है तो अब क्या कर सकते थे, इंडिया लेवल पे जैसे अगर आप देख रहे हैं तो उन आइडियाज को डिस्कस कर सकते थे, रिलीजन को लेके लोग डिबेट कर सकते थे, रिफॉर्म ला सकते थे। वो वाला पूरा प्रिंट वाला पार्ट रहा इंडिया के कंटेक्स्ट में। फाइन, अब आगे बढ़े तो व्हाट वर द न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। तो जैसे हमने वही आपको देखो यहां पे अगर पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया चैप्टर में तो चीजें आसान है। क्या कि जैसे हमने यूरोप में देखा कि यूरोप में भी रिलीजियस रिफॉर्म पब्लिक डिबेट वाला माहौल क्रिएट हुआ, वैसे आप देखेंगे तो यूरोप में भी अलग अलग तरह का क्या है, लिटरेरी मटेरियल डेवलप हुआ ना, कि लिटरेरी मटेरियल क्या डेवलप हुआ, तो लिटरेरी मटेरियल में आपने देखा कि एल्मेनैक्स थे, बिलियोथिक ब्लू थी, चैप बुक्स थी, इन्वेंशन ऑफ साइंटिस्ट वगैरह, वो सब लिखा जाने लगा। तो वही चीज यहां पे भी है, वही चीज यहां पे कैसे है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन क्या था, तो जैसे नॉवल्स जो था, जो एक समय पे यूरोप में था, यूरोप में प्रिंट होना शुरू हुए थे, अब वो नॉवल्स इंडिया में भी इंडियन स्टाइल में नॉवल्स लिखे जाने लगे। तो नॉवल्स फ्रॉम यूरोप केम टू इंडिया, मतलब यूरोप के नॉवल इंडिया में नहीं बिक रहे थे। केस ये था कि जिस तरह से नॉवल लिखने का कल्चर यूरोप में बिल्ड हुआ, वही कल्चर इंडिया में भी बिल्ड हो गया, और नॉवल में लिखे क्या जाएंगे। ठीक है, तो दिस एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म, पीपल कुड नाउ रीड व्हाट दे वांटेड टू सी। नॉवल में हम क्या, मूवीज में हमें क्या दिखाया जाता है, हमारी लाइफ को थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया जाता है और एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। ठीक है, तो वैसे अगर आप जैसे देखेंगे तो वही नॉवल्स में भी क्या लिखा जाता था, नॉवल्स मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग जहां पे एक इमेजिनरी दुनिया बनाई जा रही है, जहां पे पीपल कुड रीड व्हाट दे वांटेड टू सी इन देयर ओन लाइफ, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो रोमांटिक नॉवल, साइंस फिक्शन, इस तरह की चीजें हम लिखना शुरू कर दी गई थी। ठीक है, तो ये एक क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन में जाएगा। साथ ही साथ आप अलग अलग लिटरेरी फॉर्म्स में अदर न्यू लिटरेरी मटेरियल ऑल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। जैसे लिरिक्स लिखे जाने लगे गाने के, गीत लिखे जा रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी जा रही, एसेज लिखे जा रहे हैं सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पे। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल मैटर्स पे ऐसे लिखे जा रहे हैं, चुनाव से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, समाज में बदलाव से जुड़े हुए, जैसे सोशल रिफॉर्मर लिख रहे थे। क्लियर हुआ? तो ये लिटरेरी मटेरियल आ रहा था, दीज वर द न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस। ठीक है, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स एक अपने आप में प्रिंटिंग मटेरियल ऐसा इवॉल्व हुआ जो कि वाइडली क्या क्या होने लगा, सर्कुलेट होने लगा। कैसे, तो पेंटिंग में विजुअल मटेरियल को भी अब प्रिंट किया जा रहा था। पहले क्या होता था, पेंटिंग सिर्फ अमीर आदमी ही बनवा सकता था क्योंकि हाथ से पूरी बनाई जाती थी, एक्सपेंसिव होता था, पेंटर्स चार्ज करते थे। तो अब अपने घर को सजाने के लिए गरीब व्यक्ति क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब पेंटिंग्स जब प्रिंट होने लगी तो होता क्या था कि एक वुडन उस पर एनग्रेव कर लिया जाता था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी, तो वुडन उसके उस पर एनग्रेव कर लिया जाता था। ठीक है, जो कह सकते हैं कि कारपेंटर्स वगैरह रहते थे, वो बैठे रहते थे प्रिंटिंग शॉप के बाजू में, वो एक पेंटिंग को पूरा वुड पे बना देते, और उस मतलब वो एक आपके पास क्या तैयार हो गया, आपके पास एक वुड ब्लॉक तैयार हो गया जिसपे एक पेंटिंग बनी हुई है, बस छपाई चलने दो, तो वो छपाई चलती। तो इस तरह से क्या होता था, इस तरह से पेंटिंग्स जो है, तो पेंटिंग्स भी क्या न्यू फॉर्म ऑफ विजुअल मटेरियल में आने लगा। जैसे राजा रवि वर्मा बहुत बड़े पेंटर थे, तो उनकी पेंटिंग्स जो है तो वो इजीली मार्केट में अवेलेबल थी। अब वो खुद नहीं बना रहे लेकिन उस पेंटिंग को प्रिंट कर दिया जाता था, समझे, डाइवर्सिफाइड यूज ऑफ पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स का डाइवर्सिफाइड यूज होने लगा, क्या कि इजीली अवेलेबल थी, लोग अपने घरों को सजाने के लिए वो पेंटिंग्स का इस्तेमाल करने लगे। क्लियर हुआ? दे शेप द आइडिया अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर। और इन पेंटिंग्स के थ्रू क्या है कि लोग सोसाइटी को, मॉडर्निटी को, इन सारी चीजों को दर्शाने लगे, देखने लगे।
कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स, ये भी एक न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन है जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कार्टून्स और कैरिकेचर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज के लिए कार्टून्स कैरिकेचर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? फॉर कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, जैसे जो अलाइट अलाइट कह लो या फिर एडुकेटेड इंडियन अलाइट क्लास होती थी, तो उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए या फिर उन लोगों को मॉक करते हुए चिढ़ाते हुए क्या है कि कार्टून्स वगैरह निकाले जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कि देखो बंदर के हाथ में उस तरह इस तरह से वो मॉडर्निटी को शो करते थे। और साथ ही साथ क्या होता था कि जो नेशनलिस्ट थे तो वो नेशनलिस्ट भी क्या करते थे ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में लिखते थे, या फिर ब्रिटिश राज जो है तो वो क्या करता था नेशनलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कार्टून्स कैरिकेचर्स बनाते थे। तो उस समय के सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे कमेंट करने के लिए कार्टून्स कैरिकेचर्स भी एक तरह का प्रिंट था, एक तरह का प्रिंटेड मटेरियल था। समझ में आया? तो दीज वर द न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। अब अगर आगे बढ़े एक और कदम तो आता है विमेन एंड प्रिंट। विमेन एंड प्रिंट मतलब कि इस पूरे प्रिंट रेवोल्यूशन में इंडिया में इंडियन वुमेन के साथ क्या हो रहा था। जैसे हमने देखा कि यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है, यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन में आपको ये देखने को मिल रहा है फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कि वुमेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरह इमर्ज हो गया, जो रीडर भी थी राइटर भी थी वो अपना मतलब अपना अपने जो राइटिंग स्किल्स वगैरह थी उसके थ्रू ये बताना चाहती थी कि कैसे एक वुमेन कैसी होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे जैसे आप देखोगे तो इंडिया में वुमेन का प्रिंट के साथ क्या रिलेशन रहा, तो व्हाट वाज दी एसोसिएशन ऑफ वुमेन विथ दी प्रिंट इन इंडिया। ठीक है, क्या सिचुएशन थी, वो सारी चीजें आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगी। और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्योंकि बहुत सारे नाम है यहां पे। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो वुमेन एजुकेशन वॉज वन ऑफ दी मोस्ट डिबेटेड इशू कि वुमेन पढ़े या ना पढ़े। अब प्रिंट में क्या है कि प्रिंट हेल्प्ड इन दी वुमेन एजुकेशन। कैसे? जो लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स थे ना, तो दे बिगिन एडुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम। ठीक है, तो जो लिबरल हस्बैंड्स थे तो उन्होंने क्या देखा कि या फिर फादर जो थे तो उन्होंने ये देखा कि अब पढ़ाना आसान हो गया महिलाओं को, स्कूल में अगर नहीं है लड़कियां नहीं जा रही तो आप घर बैठ के पढ़ा सकते हो, किताबें वगैरह आपको मिल जाएगी प्रिंटेड है। ठीक है, तो एट टाइम्स दे वर सेंट टू स्कूल, तो कभी स्कूल भी पहुंचा दी जाती थी लेकिन अगर स्कूल नहीं भी जाए तो घर पे बैठ के पढ़ सकती थी। तो एक केस क्या देखने को मिल रहा है कि लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स वर लाइक कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, दे वर हैप्पी विद द प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे अगर आप देखेंगे क्या कि जो कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थी, जो पुराने ख्याल की थी, जो बदलाव नहीं चाहती थी, जो कंजर्वेटिव थी, तो हिंदू कंजर्वेटिव को क्या लगता था कि लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड, मतलब मान्यता है बस ऐसे कि जो पढ़ लेगी तो वो विधवा हो जाएगी। ऐसा हुआ होगा कि कोई महिला एक पढ़ी लिखी होगी और किसी हादसे के चलते उसका पति जो है तो उसकी डेथ हो गई होगी, तो ऐसा वो एक प्रथा बन गई क्या, नहीं नहीं भैया पढ़ाओ मत, पढ़ने से तो लड़कियां विधवा हो जाती है। ठीक है, मुस्लिम्स में क्या डर था कि मुस्लिम्स में डर था कि एडुकेटेड वुमेन जो है तो वो तो पढ़ना जान जाएगी, अब वो पढ़ना जान जाएगी तो वो तो सब चीजें पढ़ेंगी, तो वो उर्दू रोमांस भी पढ़ेंगी, रोमांस पढ़ेंगी तो करप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जो कंजर्वेटिव्स और ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थी उनको ऐसा लगता था कि नहीं पढ़ने से महिलाएं बिगड़ जाएगी, वैसा वाला सीन था। ठीक है, पढ़ने से महिलाएं बिगड़ जाएगी वैसा वाला उनका सीन था, किस चीज को लेकर, विमेन एडुकेशन को लेकर। फाइन, और इसी के चलते आप क्या देखेंगे, देखो क्या होता है ना कि आप जिस चीज को जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना उभर के आता है। तो रीजन कुछ भी रहा हो, जब विमेन को पढ़ने से रोका गया, मतलब भाई कंजर्वेटिव हिंदूज एंड मुस्लिम्स का ये सीन था कि देवर अगेंस्ट दी विमेन एजुकेशन, तो उसके चलते हुआ क्या है कि रेबेल विमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशंस। तो ये जो प्रोहिबिशंस लगाए जाते थे उनकी पढ़ाई लिखाई पे, तो जो बागी महिलाएं थी दे डिफाइड सच प्रोहिबिशंस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राजसुंदरी देवी जो थी, ठीक है, तो ये क्या है आपको देखने को मिलेगा कि एक बंगाली फैमिली में, बंगाली अपर कास्ट फैमिली में एक मैरिड वुमेन थी राजसुंदरी देवी, जो अपने बच्चों की किताबों में से पढ़ना सीखती है। ठीक है, चुप चुप के किचन में पढ़ना सीखती है और एक उस समय पे 1876 में एक फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखती है बंगाली लैंग्वेज में जिसका नाम था अमर जीवन। ठीक है, तो अमर जीवन वो अपनी एक फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखती है। ठीक है, अब आप जिस देखेंगे कैलाश भाषिनी देवी, तो कैलाश भाषिनी देवी भी क्या करती है प्रिंट के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस को दर्शाती है कि क्या वो सफर करती है सोसाइटी में सारा सब कुछ। साथ ही साथ जैसे ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, तो देवर दी सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, देवर दी सोशल रिफॉर्मर्स हु रोट विथ पैशन, हु रोट विथ पैशनेट अबाउट, हु रोट विथ पैशन अबाउट दी मिजरेबल लाइफ। ठीक है, दी अपर कास्ट हिंदू वुमेन वर लिविंग। ठीक है, यहां स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया है, मिजरेबल लाइफ दी अपर कास्ट हिंदू वुमेन वर लिविंग। तो जो जो महिलाएं सह रही थी वो अब लिख रही थी। जैसे एक आपको यहां पर देखने को मिलता है कि एक वुमेन राइटर क्या लिखती है कि उनके जीवन में खुशियां बहुत कम है और मेजोरिटी ऑफ दी जो
हैप्पीनेस है वो कहां से आती है, प्रिंट से आती है, वो जब पढ़ती है तो आती है। तो इस तरह से महिलाओं ने अपने बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू करा। जो बुक्स वगैरह आ रही ना वो ध्यान रखना कि किसकी कौन सी बुक है। क्लियर हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस वर डिवोटेड फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस जो है तो वुमेन के एजुकेशन के लिए डिवोटेड थी। हिंदी में पब्लिशिंग लेट स्टार्ट हुई, वर्नाकुलर प्रेस में पब्लिशिंग पहले स्टार्ट हुई, वर्नाकुलर प्रेस में प्रिंटिंग पहले स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। अब हिंदी में भी प्रिंटिंग आती है तो जैसे हिंदी की जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आती है तो उससे भी जो प्रिंटिंग हो रही थी वो विमेन एजुकेशन से जुड़ी हुई प्रिंटिंग हो रही थी, ठीक है। और ये इन प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो लिखा जाता था तो उसमें मैटर क्या होता था, कॉन्टेंट, तो दे डिस्कस्ड लाइक विमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड दी नेशनल मूवमेंट। इस तरह का लिटरेरी मटेरियल जो है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी हिंदी में भी प्रिंट होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट ये प्रिंटेड मटेरियल जो है तो रीजनल लेवल पे, जैसे आप पंजाब में आप देखेंगे तो पंजाब में क्या था, रामचड्ढा जो थे, ठीक है, तो पंजाब नहीं, हाँ रामचड्ढा जो थे, तो रामचड्ढा जो है तो उन्होंने एक बुक लिखी स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार, ठीक है। अब ये जो स्त्री धर्म विचार उन्होंने एक बुक लिखी तो ये बुक का कंटेंट क्या था, ठीक है, पंजाब में खालसा ट्रैक सोसाइटी थी, ठीक है। तो रामचड्ढा जैसे एक ऑथर थे जो विमेन के डेडिकेटेडली उन्होंने क्या करा, बुक लिखा स्त्री धर्म विचार, ठीक है, जिस बुक का कंटेंट यही था कि कैसे विमेन को ओबीडियंट वाइफ होना चाहिए। सिमिलर कंटेंट आपको दी खालसा ट्रैक सोसाइटी के द्वारा भी प्रिंट किया हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुल मिला के विमेन के लिए प्रिंटेड मटेरियल ऐसा होता था कि हाउ टू बी ए गुड वाइफ, ठीक है, हाउ टू बी ए गुड वाइफ, हाउ टू बी ए ओबीडियंट वाइफ, इस तरह का कॉन्टेंट। विमेन एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें थी लेकिन विमेन सेंट्रिक कॉन्टेंट होता था, ठीक है, घर से जुड़ी हुई चीजें, कैसे कामकाज किया जाएगा, वो सारी चीजें सिखाई जाती थी। सिमिलरली बंगाल में जैसे अगर आप देखोगे तो ये वो बता रहे कि कैसे रीजनल लेवल पे प्रिंटेड मटेरियल जो है विमेन के लिए आ रहा था। जैसे बंगाल में आप देखेंगे तो दी बटाला, ठीक है, तो बटाला क्या है, बंगाल का सेंट्रल एरिया जहां पे बटाला पब्लिकेशन था, बटाला पब्लिकेशन में किताबें प्रिंट होती थी और उसमें किताबें जो होती थी तो दोज बुक्स या फिर वो जो प्रिंटिंग मटेरियल होता था वॉज नोन फॉर पब्लिशिंग चीप एडिशंस ऑफ रिलीजियस ट्रैक्स एंड स्क्रिप्ट्स, कि सस्ते में क्या है कि रिलीजियस ट्रैक्स हो गया, स्क्रिप्ट्स हो गया, इनको प्रिंट कर दिया जाएगा, एज वेल एज लिटरेचर दैट वाज कंसीडर्ड ऑब्सीन एंड स्कैंडेलियस, ठीक है। तो जो उतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाने वाला, ठीक है, ऑब्सीन मतलब कि जो ठीक ना हो, अच्छा ना हो, ठीक है, सेंसर्ड वाली, सेंसरशिप वाली चीजें जो होती है, ठीक है, तो वैसा मटेरियल भी प्रिंट किया जाता था। और अब जब सभी प्रकार की चीजें प्रिंट हो रही तो सभी प्रकार की चीजें सर्कुलेट होती थी। इनफैक्ट बटाला पब्लिकेशन के प्रिंटेड मटेरियल को जो कह सकते हैं पेडलर्स होते थे तो वो अपनी साइकिल से पैदल पैदल, ठीक है, दे टुक दी बटाला पब्लिकेशन टू होम्स और सस्ते में बेचा जाता था और लोग खरीदते थे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि विमेन एंड प्रिंट में आपको समझना होगा कि कैसे कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग अपोज करते थे, रेबेल विमेन ने उन चीजों को डिफाई करते हुए पढ़ा लिखा, ठीक है, और किस तरह से रीजनल लेवल पे प्रिंटिंग प्रेस जो है स्टार्ट होती है और विमेन के लिए अलग अलग प्रिंटेड मटेरियल निकालती है। फैक्ट्स जैसे अमर जीवन, स्त्री धर्म विचार, किताबें किसने लिखी है, यह ध्यान रखना होगा आपको। क्लियर है? अब आते हैं प्रिंट एंड दी पुअर पीपल। अगेन हिस्ट्री इज मूविंग इन अ पैटर्न। तो हमने जैसे वहां विमेन का भी देखा था यूरोप वाले केस में, विमेन के साथ साथ हमने देखा था वर्कर्स का भी, तो इंडिया में भी आप क्या देखेंगे कि प्रिंट ने वर्कर्स की लाइफ को कैसे इजी किया, हार्ड किया, क्या रोल प्ले किया, ठीक है। तो हाउ प्रिंट वॉज एसोसिएटेड इन इंडिया विद द लाइफ ऑफ पुअर पीपल और वर्कर, तो वेरी चीप एंड स्मॉल बुक वर सोल्ड एट क्रॉस रोड्स, ताकि क्या हो, ताकि हर आदमी खरीद सके, ठीक है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी खरीद सके, ठीक है। इसी के साथ साथ पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह स्टैब्लिश की जा रही थी, ठीक है, ताकि किताब हर व्यक्ति तक पहुंच सके, गरीब व्यक्ति तक भी पहुंच सके। इनफैक्ट जो रिच लोकल पैट्रॉन्स होते थे ना, जो लोकल लेवल पे अमीर व्यक्ति होते थे, तो वो लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप कर देते थे, और उन लाइब्रेरीज वगैरह की मदद से क्या होता था, उन लाइब्रेरीज वगैरह की मदद से होता यह था कि वो जैसे ऐसा हो रहा ना कि एक अमीर व्यक्ति, तो उसने क्या कर दिया, गांव के चौराहे पे एक नल लगवा दिया पीने का पानी का और अपना नाम लिखवा देगा कि सौजन्य से, ठीक है, फलाना पटेल। तो क्या हो रहा है कि उससे वो अपने आप को लेजिटिमेसी अपनी बढ़वा सकता है कि ना मैंने नल लगवाया। तो वैसे क्या है कि उस समय पे गरीब व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था, खरीद नहीं सकता था, तो वैसे तो चीप बुक्स आ रही थी लेकिन उसी के साथ साथ लाइब्रेरीज वगैरह एस्टैब्लिश करवाई जाने लगी लोकल पैट्रॉन्स के द्वारा, ताकि वो अपनी प्रेस्टीज को इंप्रूव करवा सके। फाइन, साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे ना तो पुअर पीपल के साथ में क्या था, जैसे यूजुअली क्या होता था, कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक स्टेटस होता था, तो अपर कास्ट के लोग अमीर होते थे, लोअर कास्ट के लोग गरीब होते थे, तो इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर बिगेन टू बी रिटन। प्रिंट की मदद से क्या होने लगा कि पुअर पीपल जो, तो अपने साथ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीज हो रही है
उनको लिखना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो जैसे ज्योतिबा फूले जो थे तो उन्होंने गुलामगिरी अपनी बुक लिखी। बुक ध्यान रखना, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप में बुक आती है। तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी अपनी बुक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लोअर कास्ट का सप्रेशन होता है। ठीक है, गुलामगिरी मतलब वो वर्ड ही बता रहा है कि कैसे स्लेव बना के उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है। बीआर अंबेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, उन्होंने भी इस इशू पर खुलकर लिखा। साथ ही साथ आप जो देखेंगे कि जो वर्किंग क्लास के जो लोग थे ना, वो प्रिंट में इतना इन्वॉल्व थे कि वो वर्किंग क्लास के लोग प्रिंट के माध्यम से क्या कर रहे थे, अपने साथ जो इनजस्टिस हो रहा था वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने राइटिंग स्किल्स वगैरह लिख के बताते थे। क्लियर हो रहा है? तो प्रिंट एंड द पुअर पीपल में अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द पुअर पीपल। ठीक है, इश्यूज एसोसिएटेड विद द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर हाईलाइटेड। इनफैक्ट पुअर पीपल देमसेल्फ स्टार्टेड राइटिंग। जैसे जैसे काशी बाबा एक मिल वर्कर थे जो कानपुर के, उन्होंने क्या किया, छोटे और बड़े का सवाल करके एक बुक लिखी। ठीक है, छोटे और बड़े का सवाल करके एक बुक लिखी। जैसे एक कानपुर का एक मिल वर्कर जो था, और ठीक है, अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र, ठीक है, तो सच्ची कविताएं करके उनकी सारी कहानियों को क्या किया गया, कंपाइल किया गया। सच्ची कविताएं करके सारी कहानियों को कंपाइल किया गया, कविताओं को कंपाइल किया गया। ठीक है, और पेन नेम क्या दे दिया उस मिल वर्कर ने, ठीक है, उस मिल वर्कर ने पेन नेम दे दिया सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी किताबें लिखी। तो फैक्ट बिंग कि पुअर पीपल, वर्किंग क्लास पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी, वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी राइटिंग। ठीक है, देवर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी राइटिंग। अब आता है प्रिंट एंड सेंसरशिप वाला पार्ट। ये पार्ट आपको समझना होगा चैप्टर का, यहां से सीधे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी बताऊंगा। प्रिंट एंड सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना। क्या हो रहा है कि आपने पूरा एक नैरेटिव देख लिया कि किस तरह से प्रिंट इवॉल्व हुआ। इंडिया में भी आपने देख लिया, प्रिंट आया विमेन का, वर्कर का, ठीक है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस आपको देखने को मिले। फाइन, तो जैसा यूरोप में था कुछ कुछ सिमिलर यहां पे भी हो गया। अब आपको लास्ट टॉपिक जो है वो बताता प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो जो भी प्रिंट हो रहा था क्या इतना आसान था कि जिसको जो लग रहा है वो प्रिंट कर दूं? तो सेंसरशिप मतलब कि किसी चीज को चेक करना। तो अर्लियर सेंसरशिप वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिशमैन इन इंडिया। पहले सेंसरशिप सिर्फ इंग्लिशमैन मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर ही सेंसरशिप थी कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, क्योंकि इंडियंस तो प्रिंट कर ही नहीं थे, इंडियन के पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आप जैसे जेम्स ऑगस्टस हिकी वाली कहानी पढ़ी, तो क्योंकि इंग्लिशमैन यूज्ड टू क्रिटिसाइज दी कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, तो इंग्लिशमैन को पहले चेक किया जाता था कि जो इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस लगाई जा रही है, ठीक है, जो यूरोपियंस के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस लगाई जा रही है, वो लोग क्या लिख रहे हैं उसको चेक किया जाता था। वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में जो लिख रहे थे कम लिख रहे थे, और जो लिख रहे थे उनको चेक नहीं किया जाता था। समझ में आया ना क्यों? फिर होता क्या है ना कि बाय 1820s कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, और जिसके चलते क्या है कि क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे उस पर सब चेक रखा जाएगा। फिर क्या होता है, इन 1835 गवर्नर जनरल बेंटिक जो थे ना, तो उन्होंने प्रेस लॉस को थोड़ा रिवाइज कर दिया, ठीक है, एडिटर्स की रिक्वेस्ट पे, कि हमें थोड़ी आजादी दो कि हम कुछ लिख पाए। तो फिर वो सेंसरशिप को इजी किया गया। हाँ, किसके लिए? इंग्लिशमैन इन इंडिया, जो इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस थी या फिर कैसे यूरोपियंस की प्रिंटिंग प्रेस थी, उन लोगों के द्वारा, ठीक है, उन लोगों के लिए लॉस को थोड़ा आसान किया गया जो कि पहले स्ट्रिक्ट थे। फिर लेकिन क्या होता है ना, फिर आ जाता है रिवॉल्ट। किसका? 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के रिवॉल्ट के बाद में सेंसरशिप स्ट्रिक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आया कि हम लोग तो क्या सोच रहे थे कि ये वर्नाकुलर प्रेस वाले क्या करेंगे, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस ने ही प्रिंट कर करके लोकल लेवल पे क्या कर लिया, वो बोल सकते हैं ना स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जला दी थी 1857 के रिवॉल्ट में। ठीक है, तो कैसे और क्या समझ में आया ना, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब समझ में आया कि सेंसरशिप जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में समझ में आया कि वो प्रिंटिंग प्रेस, जो लोकल वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस थी, उस पर कंट्रोल नहीं रखा गया, इसी कारण से क्या है, रिवॉल्ट निकल के आया। ठीक है, तो जो नेटिव प्रेस थी ना, देवर काम डाउन, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, उनको बंद किया गया, उनको वार्निंग दी गई कि तुम कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, जो प्रिंट करोगे उसे सेंसर किया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा कि तुम क्या लिख रहे हो, उसे सेंसर किया जाएगा। और उसी के चलते वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आयरिश प्रेस लॉ, ठीक है, आयरलैंड का जो प्रेस लॉ था, उस लॉ के बिहाफ पे, या फिर कह सकते बिहाफ पे नहीं, ऑन द सेम लाइंस, ठीक है, उसी लॉ के तर्ज पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, ठीक है, इसके चलते ये था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज में जो भी लिखा जा रहा है उसको चेक किया जाएगा क्या लिख रहे हो, गलत लिख रहे होगा तो वार्निंग देंगे, वार्निंग देने पे नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे सारे के सारे मशीन्स वगैरह को
कन्फिसिकेट करके ले जाएंगे। तो ध्यान रखना है क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो एक लॉ पास किया गया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसमें इफ समथिंग सेडिशियस इज फाउंड, ठीक है, तो जो पब्लिशर्स रहेंगे उसको वार्न किया जाएगा, ठीक है, डिस्पाइट द वार्निंग इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट तो पूरा का पूरा पब्लिशिंग हाउस जो है कन्फिसिकेट कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। दिस वॉज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो क्या डर गए? नहीं, डरने वालों में से नहीं थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझना होगा क्या कि आप देख रहे हो ना विनोद क्या हो रहा है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जा रहा था थ्रू सेंसरशिप, प्रिंट एंड सेंसरशिप पढ़ रहे। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद में कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस किया जाए। तो डर गए क्या? नहीं, डिस्पाइट ऑल दिस नेशनलिस्ट प्रिंट ग्रू इन नंबर्स। जब जब मौका पड़ता था तो जो नेशनलिस्ट थे वो प्रिंट का मदद लेते थे, प्रिंट का इस्तेमाल करते थे, तो स्प्रेड द मैसेज। जैसे बाल गंगाधर तिलक जो थे तो उनका न्यूज़पेपर था केसरी, और उस केसरी के थ्रू वो नेशनलिस्ट मैसेज जो थे लोगों तक पहुंचाते थे। क्लियर है? तो दिस वॉज द लवली चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। देखो इस चैप्टर की विशेषता मैं बता रहा हूं आपको कि चैप्टर में फैक्ट्स बहुत सारे हैं, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, तो उन फैक्ट्स को कैसे करना है बार बार पढ़ेंगे। मैं एक वीडियो और दूंगा स्पेसिफिकली इस चैप्टर की सारी बुक्स और डेट्स से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस चैप्टर में वो बहुत सारा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि इस वन शॉट के थ्रू आपके नजरों के सामने से पूरा चैप्टर एक बार दौड़ गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो को यहां समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के नोट्स जो हैं, ये नोट्स मदद आपको क्या देंगे कि जैसे मैंने एक पॉइंटर के थ्रू पूरी कहानी रिकॉल कर लेते हैं, तो वो एक पॉइंटर के थ्रू कहानी रिकॉल करने में आपकी मदद करेंगे। इन नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।